Us. I welcome you all to this crash course and this is the third class of WPT. हमने दो क्लासेस पहले कर चुके हैं जिसमें हमने प्लेटो को पढ़ा, फिर एरिस्टोटल को पढ़ा और फिर मैकियावेली को पढ़ा है. आज हम जिन थिंकर्स को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है हॉब्स, लॉक एंड रूसो. ये तीनों थिंकर आप लोगों को लग रहा होगा मैम तीनों को एक साथ क्यों पढ़ा रही है, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है. बट एक्चुअल में पढ़ने का जो अप्रोच है हॉब्स, लॉक और रूसो का, उनको अगर आप अलग अलग पढ़ते हो तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी. इसीलिए मैंने एक साथ ही तीनों का एक कंपैरिजन वे में, एक कंपैरेटिव वे में ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं. क्योंकि अक्सर ये होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसके नीचे जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में तीनों ही नाम रहते हैं, हॉब्स भी रहेगा, लॉक्स भी रहेगा एंड सॉरी हॉब्स भी, लॉक भी एंड रूसो भी, तीनों. तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तीनों को कभी कंपैरिजन वे में, कंपैरेटिव वे में पढ़ा ही नहीं, ठीक है. तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इन तीनों को हम, क्योंकि तीनों ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे काम किया, ठीक है. वन बाय वन पहले हॉब्स आए, हॉब्स के बाद लॉक का बर्थ हुआ, उसके बाद उन्होंने आइडियाज दिए एंड देन आफ्टर दैट रूसो एंड रूसो ने अपने आइडियाज दिए. लेकिन तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट रहे हैं और इन्होंने तीनों ने ट्राई किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा जो स्टेट ऑफ नेचर है, मतलब कि एक इमेजिनेशन आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी इंसान स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जा सकता ऐसा टाइम में जब इंसान का जन्म हुआ था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है, स्टोन एज आप कह सकते हो उसको, या फिर बहुत पुराना समय जब इंसान जन्म लिया, धरती पर आया और एज अ कम्युनिटी रहना स्टार्ट किया. तो इन तीन थिंकर्स ने ये ट्राई किया अपने थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन करने का कि कैसे लोग कम्युनिटी बने, कम्युनिटी कैसे आई. पहले जब लोग आए थे इस अर्थ पे तो वो लोग इंडिविजुअल के तौर पे रहा करते थे. क्या उनके इक्वालिटीज का आइडिया था उनमें, मतलब कि जो भी लोग थे क्या उनमें इक्वालिटी थी, क्या वो इक्वल थे या स्टार्ट से अनइक्वल थे. तो इन पर्टिकुलर तीनों थिंकर्स ने अपने अपने आइडियाज दिए, किसने बोला इक्वल है, किसने बोला नॉन इक्वल है, किसने पैट्रियार्की को सपोर्ट किया, किसने बोला नहीं पैट्रियार्की इज नॉट गुड, ठीक है. तो आई होप आप सभी रेडी हो आज के क्लास के लिए. एंड बिफोर कमिंग टू द टॉपिक हम पांच क्वेश्चंस करते हैं एज पर द ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटीहुड. तो हम लोग पांच क्वेश्चन करने वाले हैं एंड देन आपको अपने अपने मार्क्स बताने हैं कमेंट बॉक्स पर, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं. आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस हो गया था कल का क्लास, बट मैं ये होप करती हूँ कि आप लोगों को मैकियावेली और एरिस्टोटल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी, तो ट्राई कीजिए आंसर करने का, ओके. क्वेश्चन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू होम एनी चेंज बिग और स्मॉल. वीरेस आई रिक्वेस्ट कि आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है, मैं पोल प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, और आंसर आपको अपने पास रखना है. तो किसके अकॉर्डिंग बिग और स्मॉल, पीसफुल और वायलेंट, जैसा भी चेंज हो कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक रिवॉल्यूशन कहलाता है. आंसर वीरेश ने कर दिया, इट्स ओके, आपको शायद पता नहीं था. तो आंसर मैकियावेली है, इसके लिए मैं पोल प्रोवाइड नहीं कर रही, आंसर सबको पता चल गया है, मैकियावेली है, ठीक है, ये कल मैंने बताया भी था. ओ आई एम सो सॉरी 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 एरिस्टोटल इज द आंसर, एरिस्टोटल इज द आंसर, आई एम सो सॉरी. एरिस्टोटल इज द पर्सन हु हैव गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, इट वॉज माई टंग स्लिप, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई वॉज नॉट कॉन्सियस कि मैं एरिस्टोटल की जगह मैकियावेली बोल रही हूँ. आंसर एरिस्टोटल है, ठीक है. एरिस्टोटल है जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था 150 स्टेट्स के एंड देन फिर अपना एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया. और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में छोटा हो या बड़ा हो, वायलेंट हो या पीसफुल हो, जैसा भी बदलाव हो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि चेंज इज इनएविटेबल, मतलब बदलाव अनिवार्य है, मतलब वो उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है. ये भी बात एरिस्टोटल ने ही बोली थी. हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू में ही थे हम. वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर अ बीस्ट और गॉड बट ही कांट बी अ मैन, ये बात किसने कही है.
Okay, time's up. And 14 students have participated in the poll. Congratulations. अभी मैं नाम नहीं ले रही कि किनका करेक्ट हुआ, आपको डायरेक्टली चैट बॉक्स में मैं जब पूछूंगी तब अपने मार्क्स बताने हैं, ठीक है? बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. उसके पहले इसका आंसर मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एरिस्टोटल का ही है. ओके, हु कॉल्ड मैकियावेली अ टीचर ऑफ एविल. ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था कि मैकियावेली को टीचर ऑफ एविल किसने बोला. ओके, टाइम्स अप. एंड आई कैन सी दैट 15 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द पोल. कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी पोल में आंसर किया, सबको बहुत बहुत बधाई. एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. उससे पहले इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है लियो स्ट्रॉस. लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को बोला था टीचर ऑफ एविल. क्यों बोला था? क्योंकि मैकियावेली ने ड्यूअल मोरालिटी का आइडिया दिया था. ठीक है, ड्यूअल मोरालिटी में वो बोलते हैं कि उनका जो प्रिंस होगा वो अलग मोरल्स को सपोर्ट करेगा एंड उसकी जो प्रजा होगी वो अलग मोरल्स को सपोर्ट करेगी. ठीक है, मतलब राजा को जो है, प्रिंस को जो है, मोरल दिखना है, वो भले मोरल हो या ना हो, मतलब उसमें मोरालिटी हो, नैतिकता हो या ना हो, नैतिक गुणों को, नैतिक प्रिंसिपल्स को वो मानता हो या ना मानता हो, लेकिन अपनी प्रजा को वो ये दिखाएगा कि नहीं मैं मोरल हूँ और आप लोग भी मोरल बनो. ठीक है, तो दैट्स वाई इन्होंने, लियो स्ट्रॉस ने इनको बोला था टीचर ऑफ एविल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु सेड मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट विल नॉट फॉरगेट द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. किसने बोला है कि इंसान अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है या पिता का लॉस को भूल सकता है लेकिन उनके प्रॉपर्टी के लॉस को नहीं भूल सकता. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आंसर सभी करें, पार्टिसिपेट करें पोल में, वो ज्यादा जरूरी है. करेक्ट होगा या नहीं होगा ये मायने नहीं रखता है. अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, आप क्लास कर रहे हो, यहाँ गलतियां करने के लिए आपको इजाजत है. आप गलत आंसर करोगे फिर भी सीखोगे ही. ओके, दैट्स ग्रेट. ग्लैड टू सी दैट सभी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया पोल में एंड सभी ने आंसर किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन. ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं, मैकियावेली आंसर होना चाहिए था. ठीक है, यस मनीषा, मैकियावेली इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू डैश द स्टेट इज अ सेक्युलर एंटिटी. किसके अनुसार राज्य एक धर्मनिरपेक्ष बॉडी है. ओके, सभी आंसर करें, क्वेश्चन छूट ना जाए आप लोगों को. ये क्या हुआ, आंसर किसी ने करेक्ट आंसर नहीं किया, ऐसा शो कर रहा है मेरे पर्टिकुलर स्क्रीन में. यस, मैकियावेली इज द आंसर, आई नो, लेकिन स्क्रीन में ऐसा क्यों शो कर रहा कि आप में से किसी ने करेक्ट आंसर नहीं किया. ओके 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 ओके, ठीक है, तो
ऑप्शन गलत कर गया था, मतलब आंसर इसका सिंपल है, मैकियावेली है जिन्होंने एथिक्स को रिलीजन को डिफ्रेंशिएट किया था, अलग किया था स्टेट से और राजनीति से अलग किया था, ठीक है। तो वही है जिन्होंने बोला था कि राज्य एक धर्मनिरपेक्ष इकाई है, ठीक है, उन्होंने ही बोला था। तो आंसर मैकियावेली है एंड आई गेस सबने आंसर करेक्ट कर दिया है, किया है, ओके। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन एंड आई होप इससे थोड़ा बहुत आपको रिकॉल हो गया होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था, मैकियावेली के बारे में क्या पढ़ा था और एरिस्टोटल के बारे में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जिसमें हम हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड तीनों का एक कंपैरेटिव वे में हम तुलना करेंगे तीनों का हम, कि क्या डिफरेंसेस थे हॉब्स ने जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया, या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की उन्होंने, या नेचुरल लॉ के बारे में बात की, तो क्या अंतर था, हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या था, लॉक के अकॉर्डिंग क्या था, रूसो के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है। उसके पहले मैं ये बता दूं कि तीनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दिए हैं, उसमें तीनों ने ये ट्राई किया था कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा था, इसको प्रिडिक्ट, मतलब एक गेस किया था उन लोगों ने। हॉब्स को लगा था कि ह्यूमन नेचर नेगेटिव है, ठीक है, मतलब सेल्फिश टाइप वाला। लॉक को लगा था नहीं, अच्छे हैं, रीजनेबल हैं, मतलब तर्क और बुद्धि वाले हैं। रूसो को क्या लगा था कि नहीं, ये एकदम सीधे साधे से लोग थे, ठीक है, जैसे साधु संत होते हैं ना, उस टाइप वाले। तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को बेस बना के और अपनी जो थ्योरी दी है, पूरी की पूरी थ्योरी, चाहे वो गवर्नमेंट की थ्योरी हो, मतलब किस टाइप का गवर्नमेंट बनेगा, सोसाइटी का थ्योरी हो, या ऑब्लिगेशन की थ्योरी हो, लिबर्टी कैसा होगा, इक्वालिटी कैसा होगा, क्या सारे लोग इक्वल हैं, या क्या सारे लोगों को लिबर्टी मिली हुई है, या मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये जितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे वो सबके सब बेस्ड है ह्यूमन नेचर पर, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये ध्यान रखना है कि हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर क्या था, लॉक के अकॉर्डिंग क्या था, रूसो के अकॉर्डिंग क्या था। अगर आपको बेस पता रहेगा तो आप बाकी चीजें अकॉर्डिंगली समझते जाओगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हॉब्स से। हॉब्स का बर्थ 1588 में हुआ था, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं हॉब्स और लॉक दोनों, रूसो बिलोंग करते हैं फ्रांस से, ठीक है। तो हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ था इंग्लैंड में, और इनको एक्चुअल में इनको लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा आते थे, और इन्होंने थियोसिडाइड्स का एक बुक था, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर ऐसा करके एक बुक है जो थियोसिडाइड्स ने लिखा था, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था, और उसकी वजह से काफी इनको फेम भी मिला था, ठीक है। ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का इन्होंने आइडिया दिया था, और ये विलियम लॉर्ड कैवेंडिश के टीचर, मतलब ट्यूटर बने थे, ठीक है, इनको रिक्रूट किया गया था विलियम लॉर्ड कैवेंडिश का। और बेसिकली हॉब्स जो थे वो एक मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो अराउंड 1642 में इंग्लिश वॉर हुआ था, एक वॉर का नाम है इंग्लिश वॉर, जिसमें कि हुआ ये था कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने जो पहले से वहां मोनार्की थी, उस स्टेट में जो पहले से मोनार्की थी, उनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था 1642 में, और वहां एक पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट लाया गया था, जो कि हॉब्स को नहीं पसंद था। हॉब्स को ये चाहिए था कि हमारे सोसाइटी में एक मोनार्की रहे, और मोनार्की रहने चाहने का रीजन भी क्या था कि इनको इनके टाइम में बहुत ज्यादा वायलेंस रहा था इंग्लैंड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेनेसा पीरियड एंटर किया था इंग्लैंड में भी, है ना। इंग्लैंड ने कब किया था, कल मैंने बताया था, किन्हीं को याद है सबसे पहले कहाँ एंटर किया था, रिनेसा पीरियड सबसे पहले कहाँ एंट्री हुई थी रिनेसा पीरियड की, मैकियावेली से रिलेटेड है, किसी को याद है, कैन एनीवन टेल मी क्विकली, इटली, वेरी नाइस सुनीता, यस वेरी नाइस सुनीता, आनंद, अलका, वेरी करेक्ट श्रद्धा। तो इटली में सबसे पहले आया था, और वो 14th सेंचुरी के एंड में आया था, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रांस में आया 15th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया और जर्मनी में आया, रिनेसा का पीरियड। तो आप ये कह सकते हो ना कि जब रिनेसा आया तो वो अपने साथ बहुत सारा बदलाव लेके आया, मतलब चेंजेस इन गवर्नमेंट, इस टाइप की चीज है, क्योंकि पहले से जो गवर्नमेंट्स थे वो धर्म के आधार पर, मतलब राज कर रहे थे, राज्य कर रहे थे,
उनको मतलब ऐसा नहीं था कि उनके राइट्स को, सॉरी, उनके डिसीजन को कोई क्वेश्चन करने वाला, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वाला है कि नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था. तो बहुत ज्यादा केओस होता था. ठीक है, बहुत वेरी नाइस अलका. बहुत सारा केओस हुआ था, वायलेंस हुआ था. मतलब आप समझ लो कि एक अशांत समय काल रहा था, पीरियड रहा था वो. ठीक है, तो सिंपल है, अगर आप देखोगे अपनी सोसाइटी में कि मेरी सोसाइटी स्टेबल नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो आपकी सबसे पहली जो इच्छा होगी किसी भी चीज, मेरे को अच्छे कपड़े मिले, मेरे को अच्छे खाना मिले, मेरे को अच्छा घर मिले, ये सब बाद की इच्छाएं होंगी, बाद के डिजायर्स होंगे, विशेष होंगे. लेकिन सबसे पहले आपका मन ये चाहेगा कि मेरी सोसाइटी स्टेबल हो जाए. तो वैसे ही हॉब्स का भी हुआ, वैसे लॉक के साथ भी हुआ, वैसे रूसो के भी साथ हुआ, कि जैसी स्थिति थी, जैसी परिस्थितियां थी, उसके अनुसार इन लोगों ने अपने आइडियाज दिए. ठीक है, तो हॉब्स के समय भी यही था कि बहुत ज्यादा वॉर्स हो रहे थे, सत्ता परिवर्तन हो रहा था और लोगों की जानें जा रही थी. तो ये सब चीज जो था वो सब हॉब्स ने देखा. तो उनको ये फील हुआ कि जो पार्लियामेंटेरियंस है, मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि एक लॉ बेस्ड गवर्नमेंट हो, वंशावली के बेस्ड पर मतलब आधारित कोई गवर्नमेंट ना हो. तो जब वो कभी भी सत्ता परिवर्तन होता है, तो ये तय है कि बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, वहां पे हिंसा बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, तो वही हुआ, और उसी की वजह से हॉब्स को ये लगने लगा कि ये जो मोनार्की आई है, क्योंकि इनका बर्थ 1588 में हुआ, तो आप लोग ये गेस कर सकते हो कि इनके लाइफ के आप कह सकते हो लास्ट फेज में ये चीजें ये देख रहे थे, जो भी पार्लियामेंटेरियंस आए, मोनार्की वगैरह हुआ, तो ये बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले मोनार्की ही रही थी वहां. ठीक है, मोनार्क जो थे वहां के, जो वंश के आधारित पर जो भी वहां राजा होते थे, तो वो लोग राज करते थे. तो उसी बेसिस पर हॉब्स ने ये सब आइडियाज दिया है, अपना जो भी दिया है. ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ही ऑल्सो कंडेम्ड द इंग्लिश सिविल वॉर ऑफ 1642 बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द पार्लियामेंटेरियंस. क्यों इन्होंने उसकी आलोचना की थी 1642 वॉर, क्योंकि इस पर्टिकुलर वॉर में पार्लियामेंटेरियंस जो थे उन्होंने रॉयलिस्ट को हरा दिया था, और जो राजा थे, जो भी मोनार्कियल राजा थे, उसको आप कह सकते हो टर्मिनेट कर दिया था, मतलब उनकी जान ले ली गई थी. ठीक है, तो जो कि हॉब्स को नहीं पसंद आया था. ये था हॉब्स के लाइफ का, मतलब आप कह सकते हो छोटा सा बैकग्राउंड, जिससे आप इनके आने वाले आइडियाज को रिलेट करोगे और समझ पाओगे. ठीक है, देखिए ये जो डेट्स है ना, मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ, ये जो डेट्स है ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. इनको आप गूगल करोगे तो कुछ और बताएगा, आप किसी बुक को रेफर करोगे कुछ और बताएगा. ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो डेट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा. ठीक है, ऐसी चीजें जिसके बारे में हमारे पास पक्का कोई सबूत नहीं है हिस्टोरिकल, तो उसके बारे में एग्जाम वाले भी पूछने से थोड़ा कतराते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये दिक्कत नहीं करना चाहिए. तो आगे बात करते हैं हम लॉक के बारे में. ये था हॉब्स की लाइफ के बारे में कि कैसे उनका स्टार्ट हुआ. हॉब्स ने बहुत ज्यादा क्रुएल्टी देखी अपने लाइफ में, और जो भी लोग थे, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो हर इंसान चाहता है कि मुझे थोड़ी पावर मिल जाए, मैं सेफ रहूं, मेरी फैमिली सेफ रहे, और उस चक्कर में वो इस हद तक चला जाता है कि किसी की जान लेनी पड़े तो ले लेता है. तो वो क्रुएल्टी देखी है हॉब्स ने, इसलिए इन्होंने ह्यूमन नेचर का जो आइडिया दिया ना कि ह्यूमन नेचर कैसा था, वो नेगेटिव दिया है. आगे हम उसको देखेंगे. ठीक है, बात करें लॉक की, तो हॉब्स के बाद लॉक आए. उनका बर्थ 1632 में हुआ, एंड ये भी एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया था. इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म बोला जाता है. रीजन ये है कि इन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी पर बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इम्फेसाइज किया, मतलब इन्होंने ये बोला कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, किसी भी इंसान का स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है. ठीक है, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी. नेक्स्ट, इन्होंने लॉक बिलीव्ड इन सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, रिजेक्शन ऑफ पैट्रियार्की एंड पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म एंड लेबर एज सोर्स ऑफ वैल्यू एंड एंटाइटलमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, उसके पहले अभी हॉब्स का हमारा टाइम खत्म हो गया था. हॉब्स का हमने देखा कि क्या था इंग्लैंड में उस टाइम में, लेकिन जब तक लॉक आए, ठीक है, लॉक के आने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे
जैसे 42 में एक इंग्लिश वॉर हुआ था, तो ऐसे ही छोटे छोटे लड़ाइयां, छोटे छोटे परिवर्तन हो ही रहे थे, ठीक है। तो लॉक ने जो देखा वो उन्होंने ये देखा कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा किसी एक, कोई एक टर्म है जिसको बोलते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, क्या किसी ने पहले सुना है? यस पटेल, वेरी नाइस। 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, सब एक ही है, ठीक है, सब एक ही चीज का नाम है, जो इंग्लैंड में, जिसकी वजह से इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उसकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, ठीक है। पहले जो था मोनार्की वो वंशावली पर बेस्ड था, लेकिन वंशानुसार आते थे लोग, मतलब बेटा का बेटा इस टाइप वाला, लेकिन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने क्या किया, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो इनको इनके अनुसार, लॉक के अनुसार, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया कि ये एक फादर ऑफ लिबरलिज्म भी इनको बोला जाता है। तो फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये लोगों पर इनका ध्यान ज्यादा है, लोगों की लिबर्टी पर ध्यान ज्यादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, तभी लोगों की लिबर्टी को सिक्योर किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोग इन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। इनको फादर ऑफ द इनलाइटेनमेंट भी बोला जाता है। इनलाइटेनमेंट पीरियड का मतलब ये हुआ कि ये यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था, इनलाइटेनमेंट का जो भी एक एरा आया था उसमें, एक्चुअल में जो एक मूवमेंट आया था वो साइंस में आया था, फिलोसफी में आया था, पॉलिटिकल साइंस में आप कह सकते हो, मतलब आप कह सकते हो सिंपली कि जो एक तरीका होता था, जो स्कॉलर्स होते थे, जो लिटरेरी काम करते थे, वे लोग जो आइडियाज उसके पहले देते थे वो तर्क आधारित नहीं हुआ करता था। मिडिल एज मैंने बताया था, डार्क एज था, तो वो तर्क आधारित नहीं होता था, उसके पीछे कोई एक ठोस कारण वो लोग नहीं देते थे। हाँ, मुझे ऐसा लगा, मैंने ये आइडिया दिया, इस टाइप की चीजें हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है, एक समय के बाद हर चीज का विरोध होता है, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज बहुत दिनों तक नहीं चल सकती, चाहे अच्छी हो या खराब हो, उसका विरोध होता ही होता है। तो उसी डार केस का फिर विरोध हुआ, लॉक ने इनलाइटेनमेंट पीरियड का, उनका, उनको फादर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस किया कि जो भी चीजें होंगी, जो भी लोग हैं वो रीजन बेस्ड है, रीजनेबल लोग हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक इंसान बुद्धिजीवी इंसान है, इंसान रॉबर्ट नॉजिक पटेल, आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पाई कि क्या है रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड। ओके, आप टाइप करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ एनलाइटनमेंट इसलिए बोला जाता है सिंपली कि इन्होंने इस बात पे इंफेसाइज किया कि जो एक ह्यूमन है वो रीजनेबल पर्सन है, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है, उसमें तर्क है, उसमें सोचने की शक्ति है, उसमें ये भी शक्ति है कि सही और गलत का डिसीजन खुद कर सके, ठीक है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक लॉक के बारे में समझ में आया होगा कि लॉक बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, लॉज के अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन हाँ, उसको लोगों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो लोगों के कंसेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो लोग उसको ओवरथ्रो कर देंगे, इसकी बात लॉक ने की थी। नेक्स्ट है रूसो। रूसो का बर्थ 1712 में हुआ था, जिनेवा में, फ्रांस में, ठीक है। इनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंटेलेक्चुअल फादर बोला जाता है। एक्चुअल में रीजन ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी के बारे में बहुत ही, मतलब लिबर्टी को एक आप कह सकते हो एक विनिंग प्रिंसिपल के तौर पे दुनिया के सामने उसको पेश किया था। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, ये तीन वर्ड्स हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिले थे। तो ये तीन वर्ड्स हमें वहां से मिले थे, और रूसो जो है एक बहुत बड़े प्रोपाउंडर है लिबर्टी के, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिबर्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो, उनका मानना है कि एक इंसान को अपनी लिबर्टी से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं हो सकता, ऐसा रूसो ने कहा है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए उनको हम इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। अटैकिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ, रूसो ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बोला है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसी संस्था है जिसने हमारे समाज को
संक्रमित कर दिया या करप्ट कर दिया, ठीक है. ऑफर अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. रूसो एडवोकेटेड द नोशन ऑफ जनरल विल एज द रियल बेसिस ऑफ लेजिटिमेट पावर एंड अथॉरिटी. तो एक्चुअल में रूसो का ये मानना था, उन्होंने ये एक ऐसे थिंकर थे जो 18th सेंचुरी में जिनका बर्थ हुआ, और ये बेसिकली साइंस को बहुत क्रिटिक करते थे. जैसे साइंटिफिक, जैसे हुआ ना मैंने भी क्या बोला, एक टाइम पीरियड के बाद जो प्रथा चलती आ रही है उसका विरोध होना तय है, ठीक है. तो लॉक ने जिस चीज की शुरुआत की, लॉक ने किस चीज की शुरुआत की, साइंटिफिक चीजों की, तर्क आधारित चीजों की, तो वो एक टाइम तक चला, लेकिन कोई तो आएगा जो उसका भी विरोध करेगा, ठीक है. तो रूसो आए जो उस चीज का विरोध किए, क्या बोले, उनका सिंपल कहना था कि साइंस हो या आर्ट हो या फिर सिविलाइजेशन हो, मतलब जो एक सभ्यता है, लोग जो सभ्य तरीके से रहना सीख गए, एक सोसाइटी बन गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो खराब है, उनका ये मानना था. उन्होंने बोला साइंस ने इंसान को करप्ट कर दिया, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, ठीक है. तो ऐसा मानना था रूसो का. उनका क्या कहना था कि लोग अपने पुराने वाले टाइम में जब वो इनोसेंट हुआ करते थे, जब वो सिंपल गुड जेंटल पर्सन हुआ करते थे, तब अच्छे थे वो, अपने अंदर की अंतरात्मा से जो उनका मोरालिटी आता था, नैतिक विचार आते थे, वही सच्चा था. लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, वैसे वैसे लोग सभ्यता का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों में एक भावना आई कि अगर मैंने कृषि की है तो ये चीज मेरी होनी चाहिए. तो जैसे जैसे ये चीजें आई, प्राइवेट प्रॉपर्टी आती गई, लोगों के मन में क्या हुआ, एक सेल्फ इंटरेस्ट का भावना जग गया. सेल्फ इंटरेस्ट का जब भावना जगा तो लोगों के मन में करप्शन भी आ गया, फैमिली आई, फैमिली भी एक कारण बनी करप्शन का. फैमिली क्या है, आपको हमेशा अपने फेवर में काम करने के लिए मोटिवेट करती है. अगर मान लीजिए 10 फैमिलीज एक जगह पर रह रही, तो हर फैमिली सोचेगा कि मेरे फैमिली का भला हो, वो ये नहीं सोचेगा कि 10 की 10 फैमिली का भला हो, ऐसा रूसो मानते थे, ठीक है. तो उनका कहना है सीधा सा कि साइंस और आर्ट ने करप्ट किया है सोसाइटी को. हमारा जो पहले का टाइम था बिफोर साइंस एंड सिविलाइजेशन, वो हमारा बेटर था, तब लोग ज्यादा बेटर थे, ठीक है. तो आई होप यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया एक थोड़ा बहुत लग गया होगा हॉब्स, लॉक एंड रूसो के बारे में, ठीक है. तो हम आगे बढ़े, बाकी जो जनरल विल एंड जो भी एक्स्ट्रा चीज है हम वो आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि अभी बस थोड़ा बोलूंगी तो समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मुझे उसको पूरा एक्सप्लेन करना है. तो आगे के स्लाइड्स में वही चीजें हैं, मैं दोबारा से फिर टाइम ना लगाऊं इसीलिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक है. तो अभी तक सभी को समझ में आया है, कोई क्वेश्चन है अभी तक, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए अब? ओके, थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्सेस. ग्लैड टू सी दैट यू ऑल आर एक्टिवली लिसनिंग मी एंड फोकसिंग ऑन योर कंटेंट्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम. तीनों के बारे में हमने एक बेसिक आइडिया बस ले लिया, ठीक है. इसके बाद जो वर्ड्स हैं, मतलब जो पुस्तकें लिखी गई हैं तीनों राइटर्स, थैंक यू श्रद्धा, तो तीनों राइटर्स के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं वो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक कंपैरेटिव वे में ही डाला गया है, क्योंकि इसके पहले वैसा था तो हमने सोचा वैसे ही किया जाए, ठीक है. तो यहाँ से आप बुक्स देख सकते हो, हॉब्स के कौन कौन से बुक है, तो डी कॉर्पोरे है, डी सीवे है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द सिटीजन. तो एक्चुअल में इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया गया है, ऑन द सिटीजन इसका मीनिंग है, ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लिव्याथन, बेहमोथ एंड डी होमे, ये सारे बुक्स हॉब्स के हैं. लॉक के कंसर्निंग टॉलरेशन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये सब है, ठीक है. रूसो का है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, पब्लिश्ड इन 1750. ये रूसो ने एक्चुअल में ये जो डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस का ये जो बुक है, ये रूसो ने एक्चुअल में एक पर्टिकुलर ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसका टॉपिक ये था कि आर्ट्स और साइंस ने हमारी सोसाइटी को करप्ट किया है या इम्प्रूव किया है, ये था उस पर्टिकुलर कंपटीशन का टॉपिक. और जिसमें रूसो ने बहुत ही अच्छा लिखा था, साइंस को क्रिटिसाइज किया था, आर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा था, और उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला था, ठीक है. नेक्स्ट है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, ऑल्सो नोन एज सेकंड डिस्कोर्स, पब्लिश इन 1755, ठीक है, मतलब 1755 में. तो ये जो पर्टिकुलर बुक है ये भी एक ऐसे कॉम्पिटिशन में ही था, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन में एक ऐसे का था, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या बोला था कि कैपिटलिज्म जो है, जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो
गुण आ गया है लोगों में, लोगों को जो भी ट्रेड्स वगैरह करके वो जो कमा रहे हैं और उसको अपना एक प्रॉपर्टी मान रहे हैं और उनको खुली छूट है ये करने की, इसको बहुत ज्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और इसीलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन इसमें वो जीत नहीं पाए थे इस ऐसे कॉम्पिटिशन में। रीजन ये था कि उसको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग ऊंचे तबके के थे, मतलब कैपिटलिस्ट ही थे वो लोग भी, तो उनको कभी भी ये आइडिया पसंद नहीं आएगा। तो रीजन ये था कि वो सेकेंड टाइम नहीं जीत पाए थे। बाकी के बुक्स आप देख सकते हो, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी विच वॉज पब्लिश्ड इन 1755, इमाइल 1762, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 एंड कन्फेशंस 82 में, ठीक है। तो ये सारे बुक्स आप याद रख सकते हो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम्स में बुक्स के नाम तो एकदम इम्पोर्टेंट होते ही हैं, सबको याद भी रखने चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे। एंड लॉक का जो पहला बुक था टॉलरेशन, तो लॉक ने इस चीज पे बहुत इम्फेसाइज किया है, मतलब बहुत फोकस किया है, जोर दिया है कि टॉलरेशन होना चाहिए हर सोसाइटी में। टॉलरेट करने की क्षमता एक जो होती है वो हर सोसाइटी में होनी चाहिए, और वही बेस होता है किसी भी स्टेबल गवर्नमेंट का। मतलब अगर अगर आप चाहते हो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हो, अच्छे वे से फंक्शन करे, उसके लिए जरूरी है कि एक टॉलरेशन होना चाहिए लोगों में भी और जो भी रूलर है उसमें भी, ठीक है। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लॉक ने क्या किया था, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने फिल्मर्स की थ्योरी को, फिल्मर एक पर्टिकुलर इंसान था जो लॉक से पहले इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड को ही बिलोंग करता है, और लॉक से पहले उसका टाइम पीरियड था, और उसने एक आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था कि जो पर्टिकुलर सोसाइटी है, मोनार्कियल सोसाइटी हुआ करती थी लॉक से पहले, ठीक है, तो जो मोनार्कियल सोसाइटी है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया था फिल्मर ने। और कैसे जस्टिफाई किया था, उन्होंने ये बोला था अपने राइटिंग में कि गॉड ने एडम को, एडम बोला जाता है कि पहला इंसान था धरती का, ऐसा करके उनकी राइटिंग में हमें सुनने को मिलता है, ठीक है। तो एडम जो था वो पहला इंसान था धरती का, जिसको भगवान जी ने क्या किया था, ढेर सारे राइट्स दिए और उसको ये बोला कि तेरे को ही सोसाइटी चलानी है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने मेल एक पर्टिकुलर इंसान को दिया, अब उसके बेटे जो नेक्स्ट होंगे वही उस चीज को आगे लेकर चलेंगे, मतलब उसका जो आप कह सकते हो ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा, वो लड़की नहीं लड़का होगा, लड़की को अधिकार नहीं दिया था, जो भी लड़का होगा वही नेक्स्ट राजा बनेगा, उसके बाद का जो बच्चा होगा वो राजा बनेगा, ऐसा करके फिल्मर्स थ्योरी बोलती है, ठीक है। तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए अपना आइडिया दिया कि ये करेक्ट नहीं है। और फिल्मर ने ये भी बोला था कि जैसा कि एक फैमिली में होता है, फैमिली में क्या होता है कि एक जो मेल होता है उसकी बात सर्वोपरि होती है, क्योंकि पहले के टाइम में भी यही था कि जो बाहर का माने जा रहा है उसकी बातें मानी जाती थी घर में, ठीक है। औरतों को बाहर नहीं मिलता था जाने को काम करने को, तो जो बाहर से कमा के ला रहा है खाने के लिए उसकी बातें ज्यादा सुनी जाती थी, तो उसी को बेस बना के ये फिल्मर ने जस्टिफाई करने का बोला था, मतलब कोशिश की थी कि जैसा एक फैमिली में होता है पैट्रियार्की, लाइक कि जो मेल है उसका डोमिनेंस होता है, वो कमांड करता है, वही बातें मानी जाती हैं। एग्जैक्टली सेम होता है पॉलिटिकल एरिना में भी, पॉलिटिकल में भी जो एक मेल होगा उसी की बात मानी जाएगी। और उन्होंने वो जो एडम का आइडिया दिया था कि एडम का ही जो वंशावली चलेगी उसके अकॉर्डिंग ही सारे किंग बनेंगे, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, मोनार्की को जस्टिफाई किया था, जिसको लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, एक्चुअल में इसमें टू ट्रीटाइजेस का मतलब है कि दो किताबें लिखी हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, दोनों को मिला के एक बुक बोला गया और उसका नाम रख दिया गया टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेकेंड ट्रीटी में उन्होंने क्या किया, अपना आइडिया दिया कि क्यों पैट्रियार्कल सही नहीं है, उन्होंने पैट्रियार्की को रिजेक्ट किया था, और जो फर्स्ट ट्रीटी था उसमें फिल्मर की थ्योरी जो थी उसको रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो आई होप जो अच्छा चीजें हैं ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यस सुनीता, आप लोगों ने ये स्टोरी भी पढ़ रखी है या कहीं ना कहीं सुना होगा सभी ने। तो आगे बढ़े हम, यहाँ कुछ था नहीं वैसे, बस बुक्स के नाम थे। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो सभी को, हम आगे बढ़ते हैं। ओके थैंक यू मानसी, सुनीता, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ये है रियल सेंस में कंपैरिजन, ठीक है। आइडियाज एक साइड आप देख सकते हो, ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन नेचर पर हॉब्स ने क्या बोला, लॉक ने क्या बोला और रूसो ने क्या बोला, स्टेट ऑफ नेचर,
इसके बारे में हॉब्स ने क्या बोला था, लॉक ने क्या बोला था एंड रूसो ने क्या बोला था। इसी तरह नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स, एंड इसके आगे की स्लाइड में आप देख सकते हो रीजन टू एंड द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर को खत्म करने का क्या कारण था, कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेचर था, जो कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसकी क्या प्रकृति थी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कौन कौन से पक्ष थे, इसमें क्या क्या अंतर थे तीनों के आइडियाज में, लास्ट में सबमिशन ऑफ राइट्स, कि क्या राइट लोगों के पास बच गए थे आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम सबको कंपेयर करेंगे। पहला, ह्यूमन नेचर के बेसिस पे कंपैरिजन। हॉब्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, जो ह्यूमन है वो आइसोलेटेड है, इगोइस्टिक है एंड सेल्फ इंटरेस्टेड इन एक्शंस है। ठीक है, मतलब आपको सीधा यहाँ दिख रहा है कि हॉब्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही सेल्फिश है, आइसोलेटेड है और उसको बस सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है, एगोइस्टिक है। ठीक है, नेगेटिव ही होगा क्योंकि उनके परिस्थितियां वैसी थी, उन्होंने बहुत ज्यादा सत्ता के लिए लोगों को लड़ते हुए देखा था। ठीक है, लॉक का क्या कहना है कि लॉक का कहना है कि लोग रैशनल होते हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी होते हैं, रीजनेबल होते हैं और उनको भरोसा होता है शांति पर, मतलब उसको उनको शांति पसंद है, उनको वायलेंस नहीं पसंद है, ऐसा लॉक का कहना था। रूसो का क्या कहना था, रूसो का कहना है कि लोग सिंपल, गुड, ऑनेस्ट एंड जेंटल हुआ करते हैं। नोबल सेवेज एक वर्ड है जो रूसो ने यूज भी किया है लोगों के लिए, कि जो प्राकृतिक अवस्था में लोग थे उनका नेचर था नोबल सेवेज का, मतलब एक साधु की तरह थे वो। ठीक है, जिनके मन में छल कपट इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं। ओके, तो ये था ह्यूमन नेचर के बारे में तीनों के अलग अलग विचार। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि प्राकृतिक अवस्था, लोग कैसे थे प्राकृतिक अवस्था में, मतलब मैंने पहले बोला ना लोग, तीनों थिंकर्स ने ये बस गेस किया है क्योंकि ये पीछे तो जा नहीं सकते, इनका जन्म जिस कालखंड में हुआ वे वही रहेंगे, लेकिन इन्होंने बस एक गेस किया था कि जब लोग पहली बार एक जीवन उनको मिला धरती में, वो जो पहली बार आए मनुष्य के रूप में, तब उन वो किस स्थिति में रहते थे क्योंकि उनके पास उस टाइम कपड़े, घर, ये चीजें नहीं हुआ करती थी, कृत्रिम चीजें नहीं हुआ करती थी, मैनमेड चीजें नहीं थी, तो वो नेचर में ही रहते थे, मतलब प्रकृति में ही रहते थे, जानवरों के बीच, पहाड़ों के बीच, पर्वतों के बीच, इसलिए इसको स्टेट ऑफ नेचर बोला गया है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, आपस में प्यार से रहते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, क्या करते थे, इसमें तीनों का जो डिफरेंस है हम उसको समझेंगे। ठीक है, मतलब तीनों थिंकर्स के व्यूज में क्या अंतर था, दृष्टिकोण में क्या अंतर था वो समझेंगे। तो हॉब्स ने जैसा कि बोला कि लोग आइसोलेटेड हैं, सेल्फिश हैं, इगोइस्टिक हैं, तो वो सिंपल है, अगर कोई ढेर सारे लोग हैं एक जगह पे, 10 सेल्फिश लोग आ जाए तो डेफिनेटली लड़ाई ही होगी किसी एक चीज के लिए। तो परपेचुअल स्ट्रगल, मतलब एक ना खत्म होने वाला स्ट्रगल था, कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्स्टेंट वॉरफेयर था, हर समय छोटे बड़े युद्ध होते रहते थे और टोटल इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी कैसे, कि अगर हमेशा लड़ाई होता रहा, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, तो उसमें ये डर रहेगा कि वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरी जिंदगी को नुकसान, मेरी लाइफ को हर्ट ना करे, मतलब मेरा जीवन ना चला जाए इसके वजह से। तो ये हॉब्स का था, सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिस एंड सॉर्ट, ऐसा करके उन्होंने इसको डिफाइन किया था। ये वर्ड्स इसलिए डाले हुए क्योंकि ये पर्टिकुलरली ऐसे वर्ड्स है जो हॉब्स ने यूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉक। लॉक ने बोला कंप्लीट फ्रीडम एंड इक्वेलिटी थी, मतलब जब लोग रह रहे थे प्राकृतिक अवस्था में तो उनके बीच में इक्वेलिटी थी, बहुत मतलब एक दूसरे को वो लोग, कोई किसी को छोटा, कोई किसी को बड़ा नहीं बोलता था, इक्वल मानते थे एक दूसरे को और कंप्लीट फ्रीडम था। कंप्लीट फ्रीडम का मतलब कोई नहीं था उनके मतलब ऐसा सोसाइटी में कोई नहीं था जो दूसरे पर कोई लिमिटेशन लगाए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, अगर लोग रीजनेबल हैं, उनमें बुद्धि है, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी है अभी। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रूसो। रूसो ने बोला कि लोग बहुत सीधे साधे हुआ करते थे, अच्छे नेचर के, ईमानदार और भद्र हुआ करते थे। जेंटल का मतलब भद्र व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये वर्ड, ये ऐसा उन्होंने डिफाइन किया था कि लोगों का नेचर ऐसा था। तो इसके हिसाब से अगर हम आगे देखें कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, तो वे सभी फ्री थे, मतलब फ्री, मतलब मैंने क्या बोला था स्टार्ट में, बोला था कि रूसो ने बहुत ज्यादा इस बात पर जोर दिया था कि लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो लोग सारे फ्री थे, हेल्दी थे, ऑनेस्ट थे और
सुखी जीवन जी रहे थे। नोबल सेवेज यहाँ पर वर्ड भी है, ठीक है। तो ये था स्टेट ऑफ नेचर। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का मतलब क्या हुआ कि जिस प्राकृतिक अवस्था में वो लोग रह रहे थे, क्या वहां पर कोई लॉ था, प्राकृतिक नियम था? मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने नियम बनाया हो, वो पहले से वो नियम हो, प्रकृति के द्वारा नियम दिए गए हो, ठीक है। तो इस बात में क्या क्या दृष्टिकोण थे, तो हॉब्स ने क्या बोला था, देयर वॉज नो नेचुरल लॉ। मतलब हॉब्स का कहना है लोग सेल्फिश है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई लॉ हो ही नहीं सकता, लॉ होता तो लड़ाई नहीं करते, ठीक है। इससे आप गेस कर सकते हो। लॉ का क्या है कि नेचुरल लॉ था, ठीक है, वहां पर। और नेचुरल लॉ में पर्टिकुलरली उन्होंने तीन नाम लिए हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का उन्होंने आइडिया दिया था कि ये नेचुरल लॉज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूसो। रूसो बोलते हैं कोई नेचुरल लॉ नहीं हुआ करते थे, जो लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार जो करते थे वो उनके अंतःकरण से आता था, जो नैतिकता आती थी उनके मन से आता था, क्योंकि उनका मन बहुत साफ था, निश्चल था, उनके अंदर जो भी भावनाएं थी दूसरे के लिए खराब भावना नहीं थी, ठीक है। तो किसी नेचुरल लॉ की जरूरत नहीं थी, लोग खुद में इतने अच्छे थे कि कोई लड़ाई नहीं हुई और लोग अच्छे से रह रहे थे, ठीक है। तो ये था नेचुरल लॉ। नेक्स्ट है नेचुरल राइट। मतलब नेचुरल लॉ है तो क्या नेचुरल राइट भी है कुछ? तो रूसो तो सिंपल वही बोलेंगे कि नेचुरल लॉ नहीं है तो नेचुरल राइट भी नहीं होगा। लॉ के अकॉर्डिंग नेचुरल अगर लॉ है तो नेचुरल राइट भी होंगे, जिसमें कौन कौन से आते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का। इसके बाद रूसो क्या बोलते हैं कि ऑल मैन वर इक्वल, मतलब सारे इक्वल थे, ठीक है। इसके बाद रूसो ने की है इक्वल एंड फ्री, दे गॉट राइट फ्रॉम देयर सेल्फ प्योरिटी। मतलब राइट्स थे लेकिन वो उनके अंतःकरण से ही, वो राइट अंदर से ही आते थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक बॉडी होगी जो बताएगी कि आपका ये राइट है, वो आप लोग खुद में मन में ही, आप लोग इतने अच्छे हो कि आपको पता है कि मेरे ये करने से सामने वाले को बुरा लगेगा या उनको नुकसान पहुंचेगा तो मैं ये नहीं करूंगा। वो क्या हो गया, वो एक लॉ हो गया। राइट का क्या हो गया कि मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर सामने वाला इंसान कोई चीज उसको मिलती है तो मैं ये चीज बोलकर अपने अंदर की नैतिकता को जगाकर इस चीज से संतुष्ट हो जाऊंगा कि ये उसका राइट है, ठीक है। तो बेसिकली उनका कहना है कि उन जो भी राइट्स थे वो उनके सेल्फ प्योरिटी से थे, मतलब उनके अंतःकरण से आते थे, ठीक है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड भी, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। रीजन टू एंड द स्टेट ऑफ नेचर, क्या कारण था कि लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर में रहना पसंद नहीं किया, प्राकृतिक अवस्था में रहना पसंद नहीं किया? तो हॉब्स बोलते हैं, हॉब्स का तो एकदम क्लियर स्टैंड है, सभी लोग समझ सकते हो कि सारे लोगों में लड़ाई होती थी, ठीक है, एक दूसरे को लोग मार रहे थे, जान ले रहे थे, चोरी हो रही थी, मतलब हर प्रकार की जो बुराई होती है एक समाज में, सब कुछ था। तो लोगों के लिए ये बेटर था कि वो एक व्यवस्थित समाज में आए जहां पर कुछ कानून हो रोकने के लिए, गलत लोगों को गलत करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये रीजन था, देयर वर स्टेट ऑफ एनार्की एंड माइट इज राइट, ह्यूमन लाइफ वॉज नॉट सिक्योर। तो एक सीधा सा रीजन क्या था कि इतना वायलेंस था वहां पर और इतनी बुराइयां थी कि लोगों के जीवन में जीवन को खतरा था, ठीक है, मतलब उनकी जिंदगी को खतरा था हर समय। आप खुद इमेजिन कर सकते हो ऐसी सोसाइटी जहाँ हर समय लड़ाइयां हो रही हैं, हर समय एक दूसरे से दुश्मनी चल रही है, तो वहां तो आपकी जिंदगी को ऑल टाइम खतरा रहेगा। तो यही एक जो मेन कारण था, आप कह सकते हो मुख्य रीजन था, कारण था स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने का, हॉब्स के अकॉर्डिंग वो ये था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब आत्मरक्षा वॉज द मेन मोटिव, ठीक है। आत्मरक्षा सबसे ज्यादा सबसे मुख्य कारण था स्टेट ऑफ नेचर को या प्राकृतिक अवस्था से बाहर आने का, ठीक है। लॉक के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि लॉक ने क्या बोला था, आप लोग यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो कि लॉक ने क्या बोला था कि लोग पीसफुली रह रहे थे, उनमें रीजन था, उनमें कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, सारे इक्वल थे, फ्रीडम भी सबको इक्वली मिला हुआ था, उनको राइट्स भी थे, ठीक है। तो क्या कारण था कि वो लोग स्टेट ऑफ नेचर को छोड़े, जब सब पीसफुल था तो क्यों छोड़े, कारण क्या हो सकता है, कोई बता सकते हैं? कोई भी स्टूडेंट? क्योंकि यस श्रद्धा बताइए। ओके और आंसर्स फॉर डिफॉल्टर्स। ओके अलका, ओके कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ओके ओके ठीक है, चलिए ठीक है। सभी ने ऑलमोस्ट अपने एंड पे बेस्ट ट्राई किया आंसर देने का, ठीक है। मनीषा ने
दो मनीषा है यहाँ शायद। हाँ ठीक है, मनीषा दास ने आंसर दिया है, राजेश ने दिया है, पटेल ने, श्रद्धा ने, सान ने भी आंसर दे दिया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं रीजन क्या था। जब सब अच्छा अच्छा हो तो हम क्यों छोड़ेंगे प्राकृतिक अवस्था को। तो एक्चुअल में इसमें जितने आंसर आए थे उसमें अलका ने लिखा था फॉर डिफॉल्टर्स। तो इसमें एक बात ये लिखी बोली गई है कि लॉक का ये मानना था कि ऑल दो सोसाइटी वॉज वेरी गुड, सभी लोग एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते थे, उनमें बुद्धि वाले लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, ठीक है, लेकिन उस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीजों को नहीं मानते थे, जो नेचुरल लॉज थे या नेचुरल राइट्स थे। तो 100 में से एक या दो या फिर 5 लोग या 10 लोग ऐसे थे जो इन राइट्स को नहीं मानते थे, लॉज को नहीं मानते थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे कोई अथॉरिटी की नीड फील हुई, लोगों को फील हुआ कि ये जो 5 या 10 लोग है एटलीस्ट इनके लिए कोई एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो इनको बताए कि ये रूल है और इसको आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये रीजन था कि ये लोग फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़े, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये रीजन था। रूसो के अकॉर्डिंग क्या था, तो रूसो के अकॉर्डिंग ये था कि ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड कैपिटलिज्म स्टार्टेड रस फॉर प्रॉपर्टी। तो ये इसके बारे में जाहिर है, रूसो ने बोला था कि जैसे जैसे लोग कृषि करने लग गए, सभ्य समाज में आ गए, वैसे वैसे वो प्रॉपर्टी वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया लोगों में और सेल्फ इंटरेस्ट धीरे धीरे उनमें जन्म लेने लग गया, जिसकी वजह से उनको जरूरत पड़ी कि हम स्टेट ऑफ नेचर को खत्म करके एक कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें सबका भला हो और लोग उसमें सर्वोपरि रहे, उनकी स्वतंत्रता सर्वोपरि रहे, ठीक है। ये रीजन था स्टेट ऑफ यानी कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने का, स्टेट ऑफ नेचर को एंड करने का, खत्म करने का। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या किस प्रकृति का था वो कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्रकृति थी। तो हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें कि नेचुरल स्टेट को खत्म कर दिया गया था और एक एब्सोल्यूट मोनार्क को बनाया गया था, ठीक है, मतलब एक एब्सोल्यूट का तो आई गेस हिंदी मुझे याद नहीं है, बट हाँ एब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण, हाँ संपूर्ण एक ऐसा मोनार्क राजा बनाया गया था, ठीक है। तो हॉब्स के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या हुआ, पहला तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे में डिटेल में बात करेंगे। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हॉब्स के में सारे लोगों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, मतलब उस सोसाइटी में जितने सारे लोग थे सबके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने का रिजल्ट था वो जो मोनार्कियल गवर्नमेंट था, ठीक है, मतलब जो सोवरीन बनेगा, एक जो संप्रभु बनेगा, वो रिजल्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, वो पार्ट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। आपको ये याद रखना है इसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हॉब्स में, हॉब्स के अकॉर्डिंग उसमें लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, ना कि उसमें कोई जो गवर्नमेंट बनी या जो संप्रभु बना, सोवरीन जो बना, वो इसका पार्ट नहीं था, वो रिजल्ट था इस कॉन्ट्रैक्ट का, ओके। लॉक के अकॉर्डिंग दो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, पहला सिविल और दूसरा पॉलिटिकल। पहले को आप सिविल और सोशल दोनों बोल सकते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देन फिर पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या था, लॉक के अकॉर्डिंग सारे लोगों ने सबसे पहले, जो सोसाइटी में जितने लोग थे, सारे लोगों ने सबसे पहले आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक कम्युनिटी में आए, मतलब प्राकृतिक अवस्था को छोड़ के एक कम्युनिटी बन गए, एक समूह में आए, ठीक है, और सोसाइटी का निर्माण किया। उसके बाद दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक स्टेट को बनाया, ठीक है। पहले क्या बना, पहले एक सोसाइटी बनी यानी कि एक कम्युनिटी बनी, और उसके बाद दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या बना, एक पॉलिटिकल बॉडी बना यानी कि स्टेट बना और देन एक गवर्नमेंट बना, ठीक है। ये लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, तो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो भी लोगों के बीच में हुआ था, उसमें भी जैसा कि हॉब्स वाले में था वैसा ही रूसो में, कि इसमें भी जो गवर्नमेंट बनी या जो जो संप्रभु बना वो इसका पार्ट नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट लोगों के आपस में हुआ, बीच में हुआ, और उसमें सोवरीन एक रिजल्ट बन के आया था, गवर्नमेंट जो था वो रिजल्ट था, उसका परिणाम था उस कॉन्ट्रैक्ट का, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो आप लोगों को कि क्या अंतर था तीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कौन कौन से पार्टीज थे, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि हॉब्स वाले में लोग ही थे पार्टी,
सोवरीन पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। लॉक वाले में क्या था, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोगों के बीच में हुआ, एंड सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें उस कम्युनिटी के बीच में, सोसाइटी के बीच में और एक गवर्नमेंट बनाया गया तो उस गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है लॉक वाले में, कि लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट उसका पार्ट थी, ठीक है। दूसरे वाले जो में, दूसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ऐसा फर्स्ट वाला और दूसरा वाला एग्जाम में नहीं पूछता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि गवर्नमेंट पार्ट थी कि नहीं थी उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो लॉक वाले में गवर्नमेंट पार्ट थी, सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट उसका एक पार्ट थी, और इसीलिए गवर्नमेंट भी उतने ही जवाबदेह है जितना कि लोगों को जवाबदेह बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, ओके। नेक्स्ट है रूसो का, रूसो का तो बिटवीन पीपल ही हुआ था, मतलब पार्टीज लोग ही थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राइट्स, इसमें एक और था कि लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो इरिवोकेबल है, ये प्रीवियस क्वेश्चन आया हो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। इरिवोकेबल है, इरिवोकेबल है मतलब कि लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के वापस से प्राकृतिक अवस्था में नहीं जा सकते, ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग था, ठीक है। मतलब लॉक के अकॉर्डिंग आप एक बार आ गए इस कॉन्ट्रैक्ट में तो दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था जिसके द्वारा कम्युनिटी बन गई, तो वो कम्युनिटी कभी खत्म नहीं होगी, वो खत्म होके वापस आप प्राकृतिक अवस्था में जाओ ये पॉसिबल कभी नहीं है, ठीक है। तो इरिवोकेबल है मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में कि हर जनरेशन क्या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को मानेगी, तो यस हर जनरेशन को इस कॉन्ट्रैक्ट को मानना पड़ेगा, ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था। डन, तो ये सब था। और नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ राइट्स, तो हॉब्स का जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा जितने भी राइट्स हैं सब सारे राइट्स वो मोनार्की को, यानी कि जो सोवरीन बनेगा संप्रभु बनेगा उसको सारे राइट्स उन लोगों ने समर्पित कर दिए जो भी लोग थे, ठीक है। बस एक राइट था उनका, क्या था, सेल्फ प्रिजर्वेशन, मैंने बताया आत्मरक्षा ही मुख्य कारण था उनका कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था से हटके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और कम्युनिटी लाइफ में आए। तो अगर मोनार्क यानी कि जो आपका सोवरीन होगा संप्रभु होगा, अगर वो आपका जान, आपके जान पर आपका खतरा है, मतलब आपको आपकी जान लेना चाहे या तो फिर आपकी जान की रक्षा ना कर पाए, तो आपको हॉब्स राइट देता है कि आप रिवोल्ट कर सकते हो उस टाइम उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये था राइट के बदले। लॉक वाले में क्या है, क्योंकि लॉक ने बोला था कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड वाला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी उसका एक पार्ट है, गवर्नमेंट भी जवाबदेह है, तो लोगों ने सारे राइट्स गवर्नमेंट को नहीं दिए हैं, ठीक है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये ऐसे तीन नेचुरल राइट्स हैं जो उन्होंने समर्पित नहीं किए राज्य को या गवर्नमेंट को, ठीक है। वो राइट्स उनके पास है और उन्हीं के पास ही रहेंगे, और उसकी उसी की रक्षा के लिए गवर्नमेंट को बनाया गया है, सरकार को बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, बनाया गया है सरकार। नेक्स्ट है रूसो का, इसमें रूसो का एक्चुअल में ये भी कहा जाता है, मैं पर्टिकुलर थिंकर नहीं याद कर पा रही, वेगान या ऐसे कोई एक थिंकर है जिन्होंने बोला है, मैं श्योर नहीं हूँ, नाम आप लोग नोट मत करना, जिन्होंने ये बोला है कि हॉब्स का जो लेव्याथन का जो हेड है वही रूसो का जनरल विल है, ठीक है, जिसके द्वारा ये कहने का कोशिश किया गया है कि रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाया उसके द्वारा, श्रद्धा आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा तब मैं श्योर करके बता सकती हूँ, ओके। तो जो रूसो का सोवरिन था उसमें क्या हुआ है, आपको बाध्य किया जाता है टू बी फ्री, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है रूसो के द्वारा, ठीक है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है रूसो का, जिसमें ये बोला जाता है कि आपको जब आप जन्म लेते हो तब फ्री होते हो, ठीक है। ओके ओके, एक्चुअल में सेबाइन नहीं थे, वेगन ही थे, नाम मुझे सही रिकॉल हुआ था, वेगन का स्पेलिंग आप लोग लिख सकते हो, वी ए जी एच ए यू एन ऐसा करके नाम है उनका, ठीक है। तो वेगन थे जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोला था, और रूसो का जो सोवरीन था वो उसको एक्चुअल में वो एक कार्यवाहक के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद
एक ऐसा इंसान को चुना जो उनके बदले, उसी को जनरल विल बोला गया है, उनके बदले एक अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और राज्य में ऐसे काम के लिए लोगों को पनिशमेंट दे जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में जो रूसो का जो जनरल विल है उसमें अगर वो गवर्नमेंट लोगों के कंसेंट पर काम ना करे तो ये भी बोला गया है कि उस गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़े, यहाँ तक आप दोनों को, आप लोगों को दोनों स्लाइड्स में कोई डाउट है तो आप लोग आप पूछ सकते हो। ओके, आई एम सॉरी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? इज इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक यू एंड थैंक यू कि आप लोगों ने चैट में बोला, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि आवाज नहीं जा रही है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में भी आ गया है, आप लोगों ने क्लियर भी लिखा, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो मैंने अभी बोला, कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या नेचर था, स्टेट ऑफ नेचर में क्या राइट्स थे, क्या लॉस थे, क्यों उनको वो स्टेट ऑफ नेचर छोड़ना पड़ा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग डेफिनेटली गलत नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा बस दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे एंड देन फिर हम हॉब्स, लॉक और रूसो को एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए पटेल, आपको ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा, हम 20 से 25 मिनट लेंगे और आपका और ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट 25 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर आप लोग रेडी हो तो बताना, नहीं तो फिर मेरे को क्लास एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर पढ़ा के कोई फायदा नहीं होता है, ना हमें पढ़ाने का मन करता है। क्या आप सब लोग रेडी हो और 25 मिनट देने के लिए? आर यू ऑल रेडी? ओके, थैंक यू। तो चलते हैं फिर हम इसको, जिसको स्टार्ट किया है, जिस सफर को, उसको कंप्लीट भी कर ले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग विलिंगनेस दिखा रहे हो पढ़ाई को लेके। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। छोटे छोटे पॉइंट्स बचेंगे, हॉब्स लॉक और रूसो को सेपरेटली थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कंपेरिजन वे में पढ़ा था। डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट और गवर्नमेंट, ये जो दो टर्म्स हैं उसको कभी कभी हम खुद भी बोलते हैं, सेम वे में हम यूज भी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग और गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट स्टेट का मशीनरी है, और ये मैं अभी के बारे में बता रही हूँ। हमारा मतलब आपको इस WPT से बाहर आके अपने रियल लाइफ में बता रही हूँ कि अभी जो आप जीवन जी रहे हो, आप जिस देश में हो, भारत में हो या फिर जिस भी वर्ल्ड में हो, यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब अलग होता है और स्टेट का मतलब अलग होता है। स्टेट का मतलब एक टेरिटोरियल एंटिटी है, उसके पॉपुलेशंस होने चाहिए, कुछ चीजें फिक्स है जिसके आधार पे हम उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यस मामुनी, मिलेगा डेफिनेटली आपको आज का वीडियो, सबको मिलेगा। ओके, तो अभी के टाइम में हम स्टेट को अलग मानते हैं, स्टेट अलग चीज है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक मशीन है, स्टेट का एक मशीन है जो स्टेट को चलाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस थे, क्या हॉब्स मानते थे कि स्टेट और गवर्नमेंट अलग है? तो नहीं, हॉब्स के अकॉर्डिंग स्टेट और गवर्नमेंट सेम थिंग है। ठीक है, वो दोनों में अलग, दोनों को अलग अलग नहीं मानते थे। लॉक के अकॉर्डिंग, लॉक मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है,
लॉ ने स्टेट और गवर्नमेंट को अलग अलग माना, क्यों? क्योंकि दूसरा जो उनका संविदा था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके थ्रू क्या बना था, उसके थ्रू स्टेट बना था एंड देन फिर गवर्नमेंट को चुना गया जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी था, ठीक है? तो उनके लिए स्टेट अलग है और गवर्नमेंट अलग है। स्टेट आप इस तौर पर भी ले सकते हो कि उन लोगों ने कम्युनिटी बनाई, पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कम्युनिटी बनाई और उसके बाद उसी कम्युनिटी को एक स्टेट का नाम दिया गया जब गवर्नमेंट बन गई तब, ठीक है? तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि लॉ के लिए स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। रूसो के अकॉर्डिंग क्या है, रूसो ने भी बोला है कि स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग है, ठीक है? मैंने अभी जस्ट एक वर्ड यूज किया था, कार्यवाहक। स्टेट का कार्यवाहक होगा गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट जो होगा वो बस एक ऐसा अथॉरिटी है जिसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी में वो शांति कायम रख पाए और अगर कोई ऑफेंस करता है किसी लॉ का, ठीक है, कोई लॉ तोड़ता है, कोई कानून तोड़ता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, इसका हकदार गवर्नमेंट होगा, वो इस चीज को निर्णय लेगा, इस चीज का निर्णय लेगा, ठीक है? तो इसलिए रूसो और लॉक के लिए क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट अलग अलग है। हॉब्स के लिए गवर्नमेंट और स्टेट का मतलब सब एक है, क्योंकि वो एक स्ट्रांग सोवरीन बनाता है, एक बहुत ही एब्सोल्यूट सोवरीन की बात करता है, मतलब एक संपूर्ण संप्रभु जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, जिसकी अथॉरिटी को, ठीक है? यस, वर्किंग बॉडी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोवरीन, जो सोवरीन होगा, जो संप्रभु बनेंगे, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि लॉक ने जो बोला उनके जो संप्रभु बनेंगे उनको सारे राइट्स है, सब कुछ है, सिर्फ उनपे एक लिमिटेशन है, क्या, कि वो लोगों की जान नहीं ले सकते और अगर वो लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, लोगों की जान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तब वो उस सोवरीन को हटाने का सोचा जा सकता है, रिवोल्ट का सोचा जा सकता है। लेकिन लॉक और रूसो के अकॉर्डिंग स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या सभी कंफर्म कर सकते हैं कि स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिख रही? दीक्षा का कहना है कि स्क्रीन नहीं दिख रही उन्हें, क्विकली। ओके दीक्षा, आप रिजॉइन कर लो प्लीज एक बार, सभी को क्लियर है, विजिबल भी है, सुनीता, मानसी, शान सभी बोल रहे हैं, ठीक है? तो सोवरीन का क्या नेचर होगा, तो हॉब्स का जो सोवरीन होगा वो एब्सोल्यूट होगा, जिसको सारी चीजें, सारे पावर, सब कुछ है, ठीक है? मतलब हॉब्स का जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि मेरा जो गवर्नमेंट बनेगा, जो सरकार बनेगी, उसको कोई तोड़ने की ताकत किसी और में ना हो, तख्ता पलट करने की ताकत किसी में ना हो, ठीक है, कोई विद्रोह ना कर पाए, इतने पावर्स, इतने अथॉरिटी, सारी कुछ चीजें सोवरीन संप्रभु को हॉब्स ने दिया था अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है? नेक्स्ट है लॉक क्या मानते थे। तो एक्चुअल में लॉक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट भी पार्ट था उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उनके लोग क्या थे, नेचुरल राइट्स थे, लोगों के पास नेचुरल लॉज भी थे, वो बस कुछ लोग थे जिसकी वजह से उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ा, तो उनको ज्यादा खतरा नहीं था, उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को खतरा नहीं है ज्यादा, या फिर जो उनका स्टेट बना उसका इनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थिर जैसा स्थिति नहीं है। अगर जब कोई स्टेट अस्थिर होता है तब हमको एक स्ट्रांग राजा की जरूरत पड़ेगी जो उसको होल्ड करके रखे, एक यूनिटी में बांध के रख पाए। लेकिन जब मेरा स्टेट उसमें स्टेबिलिटी है, मतलब वो स्थिर है, उसमें सत्ता पलट या फिर तख्ता पलट जैसा कोई डर नहीं है, तो मुझे मतलब तब जरूरत नहीं है कैसे राजा की जो सबको जबरदस्ती बांध के रखे, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की बात की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब हुआ कि चुना तो जाएगा, एक राजा ही चुना जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक होगी जो लोगों के कंसेंट पर बनाई जाएगी, जिसमें लोगों की भलाई के हिसाब से रूल्स लिखे हुए होंगे, ठीक है? तो सोवरीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा और ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, ठीक है? अगर वो कुछ गलत करती है, लोगों के अगेंस्ट काम करती है जिसमें लोगों की भलाई नहीं है, अगर वो लोगों से ऐसा टैक्स लगाती है लोगों पर जो लोगों को मंजूर नहीं है, या तो फिर ऐसा कोई काम करती है जो लोगों के हित के विरोध में हो, तो उस राजा को, सॉरी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को हटाने का अधिकार है लोगों को।
ठीक है, तो मतलब लिमिटेड काम ही कर सकता है गवर्नमेंट, वो अपनी मर्जी का नहीं कर सकता, वो लोगों के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा, लोगों के कंसेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लोगों की सहमति के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एज द ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ट्रस्टीशिप आइडिया गांधी जी का पढ़ा है सभी ने? ओके, श्रद्धा ने पढ़ा है, सविता ने भी पढ़ा है, तो आप लोगों को समझने में इजी भी होगा ये, ठीक है। सुनीता, मनीषा सभी ने पढ़ा है, वेरी गुड मनीषा सुनीता। तो ट्रस्टी क्यों बोला गया गवर्नमेंट को? ट्रस्टी इसलिए बोला गया क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके पहले लोगों के पास जो राइट्स थे, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मतलब जिंदगी का, मतलब जीवन का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, और स्वतंत्रता का, ये जो तीन अधिकार थे, ये जो तीन अधिकार थे उसकी रक्षा के लिए ही हमने गवर्नमेंट को बनाया है। तो ट्रस्टी का मतलब यही होता है कि ऐसे इंसान को अपनी जगह पे मतलब ट्रस्टी बना देना, अपना आप कह सकते हो प्रतिनिधित्व करने देना, जो मेरे राइट्स का सुरक्षा कर सके, ठीक है, जो सिक्योरिटी दे सके मेरे राइट्स को। तो इसलिए इनके गवर्नमेंट को ट्रस्टी भी बोला जाता है। और ऐसा भी आपको आगे मिल सकता है कि ट्रस्टीशिप का आइडिया किसने दिया था, WPT में तो लॉक ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है रूसो। तो रूसो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अभी मैंने जनरल विल के बारे में पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बताना जरूरी है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। जनरल विल है क्या एक्चुअल में? तो रूसो के अकॉर्डिंग सारे लोगों का फ्रीडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की लिबर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जितने सारे लिबर्टी, ऐसे लोग जिनको लिबर्टी है उनके पास, वो स्वतंत्र हैं, उन सारे लोगों का जो एक, क्योंकि रूसो के अकॉर्डिंग सारे लोग अच्छे हैं, मन के अच्छे हैं, नैतिकता है उनमें, मोरालिटी है, एथिक्स है, ठीक है, तो वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो गलत नहीं चाहेंगे दूसरे का, ठीक है, वो कभी भी दूसरे का गलत नहीं चाहेंगे, वो हमेशा ये चाहेंगे कि पूरे सोसाइटी का अच्छा हो, ठीक है। तो विल मतलब इच्छा होता है, ठीक है, तो हर इंसान की यही इच्छा होगी कि हर दूसरे इंसान की भलाई हो, दूसरे का बुरा वो नहीं चाहेगा, तो उसी को जनरल विल बोला गया है, ठीक है। तो सभी इंडिविजुअल्स का, सभी व्यक्तियों का एक जो विल होगा, इच्छा होगी, जनरल विल होगी, सामान्य इच्छा होगी कि पूरे समाज का अच्छा हो, वही सोवरीन कहलाएगा, ठीक है। और सोवरीन को वो बाद में मतलब चुनते हैं एज अ कार्यवाहक एक गवर्नमेंट को कि आप सोवरीन बन जाओ, आपको हम यही अथॉरिटी देते हैं, ये पावर देते हैं, आपको हमारे फ्रीडम और हमारे लिबर्टी की रक्षा करनी है, ठीक है। और इसी से आता है प्लूरल सोवरेंटी का भी आइडिया। आपने पढ़ा होगा कि प्लूरल सोवरेंटी की बात किसने की है, किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है। कैसे? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि उनके हिसाब से, रूसो के हिसाब से हर इंसान बहुत अच्छा है, और सोसाइटी में हर इंसान चाहता है कि पूरे सोसाइटी का भला हो, ना कि सिर्फ एक इंसान का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल विल बना, जिसको हम सोवरीन बोल रहे हैं, वो हर एक इंसान की इच्छा में निहित है, मतलब हर एक इंसान में निहित है सोवरीन, ठीक है, इसलिए हम प्लूरल सोवरीन बोलते हैं, प्लूरल नहीं, पॉपुलर सोवरीन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि गवर्नमेंट क्या है, तो बस एक कार्यवाहक है जो मेरे जो प्रोटेक्ट करेगा जनरल विल को। तो यही पॉपुलर सोवरेंटी का आइडिया दिया था रूसो ने, ओके। और पॉपुलर सोवरेंटी इसलिए क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल में है, ठीक है, ओके। थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्सेज। हम आगे बढ़ते हैं, हमें खत्म भी करना है। तो ये था ओवरऑल आपका कंपैरिजन। इसके बाद की जो स्लाइड्स आएंगे वो पर्टिकुलरली एक एक थिंकर को, हम जो एक्स्ट्रा चीजें जो कंपैरिजन के दौरान हमारा छूट गया था लेकिन जरूरी है, तो हम उसको अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हॉब्स का जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, मतलब आपने जो बनाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो आपने गवर्नमेंट बनाया, आपने जो सोवरीन बनाया, उसकी जो आज्ञा होगी, उसको जो मानने का जो एक लिमिटेशन होगा कि आपको किस हद तक मानना है, उसी को हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल सोवरेंटी मैम अगेन, ओके, गलती हो सकती है, हो रही है एक्चुअल में। मेरा स्लिप ऑफ टंग आज ज्यादा हो रहा है, मुझे ये फील भी हो रहा है, पॉपुलर है, प्लूरल नहीं है, ओके। आई होप अब आप लोग इसको माइंड ना करो, पॉपुलर सोवरीन नॉट प्लूरल सोवरीन, ओके। आज एक्चुअल में
स्लिप ऑफ टंग मेरा हो रहा है और मैंने ये नोटिस भी किया, आई डोंट नो रीजन क्या है, मे बी कोई रीजन हो बट मैं मेरे को ढूंढना पड़ेगा रीजन, क्लास के बाद देखती हूँ. ठीक है, तो अगेन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पटेल बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है. पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक गवर्नमेंट बना दी, ठीक है, गवर्नमेंट बनाया या स्टेट बनाया या संप्रभु की स्थापना की, तो आप उसकी बात किस हद तक मानोगे, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. ठीक है, थैंक यू मानुमी मामुनी, थैंक यू मामुनी फॉर सपोर्टिंग मी. मामुनी मेरे फेवर में है. तो देखते हैं कि हॉब्स के जो आइडियाज थे उसमें किस हद तक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की गई है. तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीजें माननी होंगी, किन किन चीजों को नकारा गया है, हम वो देखेंगे. ठीक है, तो देखते हैं हम एक एक करके जो चार पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको. ठीक है, फर्स्ट क्या है, सैंक्शंस और पनिशमेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स इफ दे नॉट सक्सेसफुली ओबेड द सोवरीन. मतलब कि सोवरीन का जो आज्ञा होगा अगर उसको नहीं माना जाता है, कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है स्टेट में, ऐसा कोई नागरिक है जो उनके आदेश को नहीं मानता है, तब जो सोवरीन होंगे उनको ये राइट है कि वो पनिशमेंट उसको दे. ठीक है, सेकेंड है, मतलब यहाँ आप समझ सकते हो कि उनकी आज्ञा सर्वोपरि है. ठीक है, मतलब सोवरीन का जो आज्ञा है वो सबसे ज्यादा संप्रभु है, जो संप्रभु है उसकी जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है. अगर आपने नहीं माना उस बात को तो उसको ये तक राइट है कि आपको पनिशमेंट दे, ठीक है, या फिर आप पे सैंक्शंस लगा दे, ठीक है, रोक लगा दे कि आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा सोसाइटी में, ठीक है, या आप कोई कार्य नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, इस टाइप के सैंक्शंस. नेक्स्ट है, इंडिविजुअल्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए थे इस अवस्था में, एक संप्रभु का निर्माण किया था, स्थापना किया था, तो उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा याद रखना है और उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको तोड़ने की आजादी उनको नहीं होगी. ठीक है, थर्ड क्या है, सोवरीन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिविजुअल्स एज दे वॉलंटेरली ऑथराइज हिम विद द पावर एंड अथॉरिटी. मतलब कि जो सोवरीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर इंडिविजुअल को. ठीक है, मतलब कि जो एक संप्रभु बैठा हुआ है एक सबसे ऊंचे स्थान में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब हर इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो प्रतिनिधित्व करेगा. ठीक है, मामूनी एक्चुअल में कल हमारा जो वीडियो था ना वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, तो वीडियो तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अब हमें वापस से हमें कल में जाना होगा और वापस से चीजें रिपीट करनी होंगी तब वो रिकॉर्ड हो पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो आप लोग प्लीज अभी कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और पीपीटी से पढ़ लो. हम जब रिविजन करवाने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली मैं मैकियावेली और एरिस्टोटल को ज्यादा अच्छे से बताऊंगी. ठीक है, ओके पटेल, ठीक है, मैं करने वाली हूँ, खत्म हो जाएगा हमारा. ठीक है, ओके, तो एक्चुअल में इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं, तो पटेल अगर आप चाहो तो जा सकते हो और प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, उसको मत छोड़ना क्योंकि हमें और 15 मिनट लगने वाले हैं. ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि मैंने जितना आइडिया समझा दिया आपको, आगे के स्लाइड्स में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिविल लॉ एंड द लॉ ऑफ नेचर आर वन As they are commands of God, ठीक है, hence political obligation was essentially moral according to Hobbes. मतलब जो political obligation में Hobbes उसको moral बोलते हैं. ठीक है, ये है, और वो बोलते हैं कि civil law, मतलब नागरिक, मतलब आप social contract के बाद जब आए, जो law बना, नागरिक कानून जो बना, वो natural law के जैसा ही है, अलग नहीं है. ठीक है, ये बात की गई है. ये कुछ फेमस कोट्स हैं जिसको आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, इसलिए मैं नहीं बोल रही कुछ, मतलब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट वाले ही डलवाए हैं ताकि मेरे को अलग से बताना ना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोग कोट्स खुद से भी एक बार देख लेना, पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी.
लॉक के बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फिर रूसो के बारे में जो भी एक्स्ट्रा चीजें हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लॉक ने लेबर थ्योरी भी दिया था, ठीक है, श्रम का नियम भी दिया था। कैसे? लॉक के अकॉर्डिंग उन्होंने लिबर्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। तो उनके हिसाब से जब इंसान इस पृथ्वी में से किसी भी वस्तु में अपना लेबर डाल देता है तो वो चीज उसकी हो जाएगी, ठीक है, ये उनका कहना था। मतलब अगर कोई जमीन है, कोई पीस ऑफ लैंड है, उसमें घास उगी हुई है, आपने जाकर थोड़ी मेहनत की, घास वास हटा दिया, उसमें दूसरे टाइप के पौधे लगा दिए, तो मतलब क्या हुआ कि आपने उस लैंड में अपना लेबर लगा दिया, अपनी मेहनत लगा दी, जोड़ दी, तो वो चीज आपकी हो गई। ये आइडिया दिया था लॉक ने अपने श्रम के सिद्धांत में, ठीक है। उन्होंने, लॉक ने इसके अलावा तीन टाइप ऑफ पॉलिटिकल पावर्स की बात की थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए मैंने इसको ऐड करवाया है, ठीक है। तो थ्री टाइप ऑफ पॉलिटिकल पावर्स की बात की, पहला है लेजिस्लेटिव पावर, फिर है एग्जीक्यूटिव पावर, फिर है फेडरेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब हुआ लॉ बनाने की जो शक्ति होगी वो सोवरिन के पास होगी, ठीक है, लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए ही बना सकता है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब हो जाता है कि आप जो लॉ होगा उसको मनवाने के लिए, मतलब आपकी जनता उस लॉ को माने, इसके लिए पनिशमेंट या फिर फोर्स का यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एंड फेडरेटिव पावर, अगेन कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो फेडरेटिव पावर मैं अभी नहीं बता सकती, मैं आपको बाद में इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं अभी भी, ओके। नेक्स्ट है इट्स ओके सुनीता, आप चले जाओ, रिकॉर्डिंग जरूर से देख लेना, हम क्लास बस एंड करने ही वाले हैं, ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा चीजें नहीं बची हुई है, ओके। नेक्स्ट है, मैं फेडरेटिव आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी या फिर मैं कल ही बता दूंगी इसको। लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, क्या क्या लिमिटेशन थे गवर्नमेंट पर? तो जो सोवरीन होगा, संप्रभु होगा, मतलब जो गवर्नमेंट बनेगा आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको लॉज को मानना पड़ेगा, और जो लॉज होंगे इम्पार्शियल होंगे, मतलब पारदर्शी तरीके से लॉज बनाए जाएंगे और उनको इन्फोर्स किया जाएगा, उनसे उनको लोगों को काम करवाया जाएगा उन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सोवरीन होगा, जो सरकार होगी, वो भी उन लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करेगी लोगों की भलाई के लिए। नेक्स्ट है, दिस लॉज नीड टू बी डिजाइंड फॉर द गुड ऑफ द पीपल, मतलब जो भी लॉज बनेंगे वो इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो जो लॉज बन रहा है वो लोगों की भलाई के और हित में ही, हित के लिए ही बने, उनके अगेंस्ट ना बने। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा विदाउट प्रजा की सहमति के, ठीक है। प्रजा जब तक सहमत ना हो कि हाँ ये टैक्स लगना चाहिए, तब तक वो राजा नहीं लगा सकता, ठीक है। इट कैन नॉट ट्रांसफर द पावर ऑफ मेकिंग लॉज टू एनी अदर बॉडी, मतलब सरकार को ये पावर नहीं है कि वो किसी और को कानून बनाने का अधिकार ट्रांसफर कर दे, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। क्या कारण थे कि ये लोग सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी में आए? तो ये मैंने बता दिया है आपको शुरू वाले में ही, लेकिन फिर भी आप देख लो कि इनको एक जरूरत पड़ी कि एक एस्टैब्लिश, मतलब एक स्थापित लॉ हो, एक स्थापित जज हो जो गलत करने वाले जो कुछ लोग हैं उनको सजा दे सके, और एक ऐसा पावर हो जो, मतलब एक अथॉरिटी हो जो सपोर्ट करे अगर कोई इंसान गलत किया, उसको जो जज दे रहा है सेंटेंस, मतलब जो भी सजा दे रहा है उसके पीछे एक सपोर्ट हो, और उस सपोर्ट के लिए जरूरी है एक पावर और अथॉरिटी होना। तो यही तीन कारण थे जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और सोसाइटी बनानी पड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं गवर्नमेंट को मतलब हटाने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था लॉ के अकॉर्डिंग अगर सरकार जो गवर्नमेंट बनी वो लोगों के हित में कार्य नहीं करती है तो लोग उसको हटा देंगे, ठीक है, उनको वो पावर दी गई है, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या एग्जैक्टली कारण होंगे वो लिखे गए हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, कि मैं समझा देती हूँ इन अ क्विक मैनर, ठीक है। क्या क्या कारण है? तो वेन एवर सच अ प्रिंस और सिंगल पर्सन इस्टैब्लिश हिज ओन आर्बिट्ररी विल इन द प्लेस ऑफ लॉज, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो कानून को ना मानकर अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चलाने लग जाए, तब आप सरकार को हटा सकते हो। वेन द प्रिंस हिंडर्ड द लेजिस्लेचर फ्रॉम परसुइंग दोज एंड्स फॉर विच इट वॉज कंस्टिट्यूटेड, मतलब कि जब कोई ऐसी शक्ति या कुछ ऐसा समूह, कोई लोग ऐसे हैं जो सरकार को उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोके, मतलब सरकार क्यों बनाई गई थी, तो लोगों की भलाई करने के लिए बनाई गई थी, तो जब
वो सरकार को रोके कि आप लोगों की भलाई करने में मतलब बीच में बाधा पहुंचाए, तब आप उस गवर्नमेंट को हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हेन बाय द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द प्रिंस द इलेक्शंस एंड द वेज ऑफ इलेक्शंस वर अल्टर्ड विदाउट द कंसेंट एंड कंट्ररी टू द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जब प्रिंस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे इलेक्शंस को जीतने के लिए, इलेक्शंस में धांधली करवाने के लिए और इलेक्शंस में गलत वोटर्स या गलत वोट डलवाने के लिए, ठीक है, तब आप गवर्नमेंट को हटा सकते हो। द डिलीवरी ऑफ पीपल इन टू द सब्जेक्शन ऑफ फॉरेन पावर आइदर बाय द प्रिंस और बाय द लेजिस्लेचर। मतलब आप अपने लोगों को फॉरेन मतलब विदेशी ताकतों के पास भेज दोगे, लाइक कि लोग मेरे हैं मैं भेज सकता हूँ किसी भी कारण से, और वो उनके वहां जाने के बाद उनका भला नहीं हो रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। अगर आपने ऐसा किया, आपने लोगों को भेजा किसी और के पास, मतलब दूसरे राज्य के लोगों के पास भेज दिया और उनके साथ वहां गलत हो रहा है, तब आपकी जनता आपको हटा देगी पावर में से। व्हेन द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर नेग्लेक्टेड लॉ, जब जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर मैंने बताया जो सजा देगी ऑफेंडर्स को, जो लोग मतलब लॉज को नहीं मान रहे हैं उसको हम एग्जीक्यूटिव बोले थे, है ना, हमने बोला था। तो जब वही लॉ को ना मानने लगे या फिर नेग्लेक्ट करे, नजरअंदाज करने लग जाए लॉज को, अपनी मर्जी से सजा देने लग जाए, अपनी मर्जी से लोगों को सजा देने देना स्टार्ट कर दे। राजेश ने हैंड रेज किया है, कोई कारण है या गलती से हुआ है राजेश, तो उस समय लोग हटा सकते हैं गवर्नमेंट को और दूसरी सरकार ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण थे। इसके अलावा अगेन लॉ के जो कोर्ट्स हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले कोर्ट्स ही हैं, तो मैं ना भी बताऊंगी, फिर भी आप लोग खुद से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये कर लोगे। हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम हो रहा है, बच्चे सारे परेशान हो रहे। ओके, नाउ रूसो के बारे में। रूसो बेसिकली जो मॉडर्न टाइम की जो प्रैक्टिसेस है, साइंस आर्ट, जो भी डेवलपमेंट को जो सिग्निफाई करता है, उन चीजों को बहुत क्रिटिक करते थे, ठीक है। इनका मानना है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो आइडिया है, लोगों ने जो शुरू कर दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, मेरा धन हो, मैं कितना भी धन अर्जित कर सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं होगी, तो इस टाइप की जो चीजें है, इसको इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की है इन सब चीजों की। और इसके अलावा रूसो जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है, उसकी भी इन्होंने बहुत आलोचना की है। आलोचना इस बात की है कि जो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हो सकता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हो, गवर्नमेंट जो भी है, मान लीजिए उन्होंने एग्जांपल दिया था इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी है और लिबरल है जो सोसाइटी, वो लिबरल है, और जो वहां की गवर्नमेंट है वो लोग चुन रहे हैं, लोगों के हाथ में कंट्रोल है, लोगों के हाथ में पावर है, सब लोगों के हाथों में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में या लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसमें रूसो का ये कहना है, रूसो का स्टैंड है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 सालों में जो जनता है उसको बस एक छोटा सा मौका मिलता है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का या फिर लोगों अपना अधिकार का यूज करने का, और 5 साल में बस एक बार ही वो एक्टिव हो पाती है, बाकी 5 साल वो उसके पास कोई पावर नहीं होता, कोई राइट नहीं होता, उसको रूल किया जाता है जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा। तो रूसो का बेसिकली ये कहना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो एक फॉल्स है, मतलब वो एक भ्रम है, रियलिटी नहीं है, ठीक है। ही मेड एन अपील फॉर ह्यूमन इक्वेलिटी इन सोसाइटी एंड ट्राई टू रिकनसाइल लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। तो क्योंकि मैंने शुरू से ही बताया कि रूसो ने लिबर्टी पर बहुत ध्यान दिया था, इनको इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोला गया है, तो इन्होंने क्या ट्राई किया कि लिबर्टी और इक्वेलिटी को रिकनसाइल किया, मतलब लिबर्टी और इक्वेलिटी को एक करने की कोशिश की, दोनों एक साथ समाज में मतलब लोगों को दिए जा सके, इसके लिए उन्होंने काफी कोशिश किया है, ठीक है। रूसो एडवोकेट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हु ट्राइड टू रिकनसाइल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, तो इसका आंसर रूसो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रूसो एडवोकेटेड द नोशन ऑफ जनरल विल एज द रियल बेसिस ऑफ लेजिटिमेट पावर एंड अथॉरिटी। मतलब रूसो ने ये बोला कि जो जनरल विल है, जनरल विल मैंने आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया, वही बेसिस है, जो भी पावर या अथॉरिटी हमने दी है जो कार्यवाहक गवर्नमेंट है,
जो वर्किंग बॉडी है गवर्नमेंट है उसको जो मैंने दिया है, जो भी अथॉरिटी दी है, जो पावर दिया है कि हाँ आपको ये पावर है कि आप लोगों को लॉ ना माने तो उनको आप पनिश करो या लॉ मानने के लिए बाध्य करो, ये जो दिया है आपको वो जनरल बिल की वजह से दिया है। मतलब जनरल बिल नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइक एरिस्टोटल, रूसो रिगार्डेड द फैमिली एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड सॉट टू डिफेंड द पैट्रियार्कल फैमिली। मतलब क्या हुआ कि रूसो ने भी फैमिली को पहला इकाई माना है सोसाइटी का, जैसा कि एरिस्टोटल ने माना था। एरिस्टोटल ने क्या माना था, सबसे पहली फैमिली आई, फिर कम्युनिटी आई, फिर पहले फैमिली आई, फिर कम्युनिटी आई, फिर विलेज आया, फिर स्टेट आया, ठीक है। इन्होंने क्रोनोलॉजी दी थी एरिस्टोटल ने। तो वैसे ही रूसो का भी मानना है कि जो फैमिली है, जो परिवार है, वो पहला इकाई है सोसाइटी का, ओके। एंड रूसो ने भी पैट्रियार्कल सोसाइटी का सपोर्ट किया, मतलब पैट्रियार्कल फैमिली का सपोर्ट किया। मानसी, आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाई। तो रूसो ने भी पैट्रियार्कल फैमिली का सपोर्ट किया। पैट्रियार्कल में आप समझ सकते हो पितृसत्तात्मक, जिसमें फैमिली का जो मेल पर्सन होगा उसका ज्यादा मतलब डोमिनेशन होगा, उसका ज्यादा वर्चस्व होगा परिवार में, ओके। फैमिली, सिविल सोसाइटी, स्टेट। अच्छा, आप बोल रहे हो तीन दिया है, ओके, आप तोड़कर कर सकते हो, लाइक पहला फैमिली आया, फिर कम्युनिटी आया, ठीक है। मैंने उसी को ही डिवाइड किया, सब डिवाइड किया है। तो उसी तरह रूसो ने भी यही बात बोली है। नेक्स्ट है, ही वांटेड वुमेन टू बी रिप्रेजेंटेड बाय मेन इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। क्योंकि मैंने जस्ट बोला ये पैट्रियार्की पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर भरोसा करते थे, तो इसीलिए ये वुमेन को वुमेन के लिए ये चीज बोलते हैं कि वो एक मैन के नीचे काम करेगी और उसके आदेश को मानेगी, ठीक है, इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। एंड वांटेड वुमेन टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एज ही वाज अफ्रेड दैट दे विल ऑलवेज पुट द इंटरेस्ट ऑफ देयर फैमिलीज बिफोर दैट ऑफ द पब्लिक। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि जो महिलाओं का जो योगदान होगा पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं होंगी वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच होती है, बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं। तो अगर उनको पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग का, अगर हम निर्णय निर्माण का पावर देते हैं, तो वो हमेशा अपने परिवार का इंटरेस्ट आगे रखेगी देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मतलब राज्य के भलाई से पहले वो अपने परिवार का भलाई सोचेगी। इसलिए महिलाओं को हम पॉलिटिक्स में हक नहीं दे सकते डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। आगे देखते हैं रूसो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और है, ये लास्ट स्लाइड है आई गेस। ओके, एक स्लाइड और है इसके बाद फिर हमारा खत्म हो जाएगा, दो स्लाइड्स हैं इसके बाद। रूसो वाज अगेंस्ट दिस इंटेलिजेंस साइंस एंड रीजन एज ही फेल्ट दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग फेथ एंड मोरल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि रूसो लॉक के बाद आए, तो लॉक ने क्या इस्टेब्लिश किया था कि लोग रीजनेबल है, तर्क है, उनके पास बुद्धि है, बुद्धिजीवी है। तो उस चीज का विरोध करते हुए रूसो अपने आइडियाज लेकर आए। उन्होंने बोला कि ये जो इंटेलिजेंस है या जो फिर साइंस है, रीजन है, ये चीजें है ना, वो लोगों को करप्ट कर देती हैं। उनके अंदर जो एक नैतिकता है मन में, जो उनका मन साफ है, जो एक अच्छा उनके अंदर मतलब जो अच्छाई है उसको खत्म कर देता है ये साइंस और ये रीजन, इंटेलिजेंस या आर्ट, ये चीजें उसको खत्म कर देती हैं। तो बेसिकली आपको ये पता, ये चीज होना चाहिए माइंड में कि रूसो अगेंस्ट थे साइंस के, मॉडर्नाइजेशन के, डेवलपमेंट के, इन चीजों के अगेंस्ट थे, ठीक है। ही रिगार्डेड थिंकिंग एनिमल एज अ डिप्रेव्ड एनिमल, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एनिमल मतलब यहाँ इंसान को ही बोला है, थिंकिंग एनिमल मतलब एक सोचने वाला इंसान डिप्रेव्ड एनिमल है। मतलब उसको डिप्रेव्ड का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप अपने बेसिक प्रिंसिपल्स से, नैतिक मूल्यों से और उन चीजों से अलग हो चुके हो, तो उसको डिप्रेव्ड एनिमल बोला जाता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर आप जब लोगों के अंदर सोचने की शक्ति आई तो उसी ने लोगों के अंदर जो अच्छी चीजें थी उसको खत्म कर दी, ठीक है। बिकॉज रीजन सप्रेस्ड एंड
डिस्टॉर्टेड नेचुरल रिस्पॉन्सेज लाइक सिंपथी एंड पिटी. ठीक है, मतलब जो आपके अंदर जो अच्छी भावनाएं होती हैं, सिंपथी होती है, जो आप इक्विटी की कामना करते हो, समता की कामना करते हो, किसी के प्रति दया करुणा भाव, ये जो होते हैं वो खत्म कर देती है जब आप सोचना शुरू करते हो और जब रीजन का यूज करते हो, तब तर्क का जब यूज करते हो तब. ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड ओवर टाइम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकेम एक्सट्रीम टू द पॉइंट दैट द रिच केम अप विद द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट. उनका ये कहना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आई उसी ने एक खाई पैदा कर दी अमीर और गरीब के बीच में, और जो अमीर लोग थे वही लोग ये जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की बात या फिर लॉ की बात, ये सारी बात अमीर लोग ही लेकर आए और वो अपने इंटरेस्ट के लिए लेकर आए. ठीक है, एवरीबॉडीज इंटरेस्ट लिखा हुआ है लेकिन वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लेकर आए. इसलिए वो बोलते हैं जो रूसो है, इसलिए वो लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं जिसमें कोई रिप्रेजेंट आपको नहीं कर रहा, आप खुद गवर्नमेंट का पार्ट हो, आप खुद गवर्नमेंट में डिसीजंस ले रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट है, रूसो एडवोकेटेड टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज. रूसो ने दो टाइप के इनइक्वालिटीज की बात की है, एक नेचुरल इनइक्वालिटीज. नेचुरल इनइक्वालिटीज का मतलब है कि जो आप प्राकृतिक अवस्था में कुछ लोग किसी की हाइट कम ज्यादा हो सकती है, इस टाइप की चीजें जो है फिजिकली कोई फिजिकली ज्यादा हेल्दी है, कोई कम हेल्दी है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा पतला है, इस टाइप की चीजें. तो इसको उन्होंने नेचुरल इक्वालिटी का नाम दिया. नेक्स्ट है कन्वेंशनल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी सॉरी. कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में वो बोलते हैं जब प्रॉपर्टी आई अस्तित्व में तो उसने ही इस इनइक्वालिटी को जन्म दिया, लोगों में अंतर किया, अमीर गरीब ऊपर नीचे अलग अलग जो क्षमताएं लोगों ने सोचना शुरू कर दिया जब उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, तो जिसकी वजह से उनके अंदर की मोरालिटी खत्म हो गई और वो सेल्फ इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग गए, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई उसको उन्होंने कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज बोला. ओके, अब यहाँ है द जनरल विल बी द सोर्स ऑफ ऑल लॉज. ये तो मैंने पहले समझाया आप लोगों को कि जनरल विल ही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनी. जनरल विल को ही हम लोग सोवरीन बोलेंगे और जनरल विल ही हर चीज का एक आधार होगी, चाहे वो पावर आपने दिया है गवर्नमेंट को या फिर कोई अथॉरिटी दी है या उसको अपना प्रतिनिधित्व माना है, कुछ भी. तो हर चीज का बेसिस जनरल विल है. ठीक है, दस ओनली लेजिस्लेटिव विल कुड बी अ जनरल विल दैट इज एम्बेडेड इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. मतलब उन्होंने बोला कि बस जो लेजिस्लेटिव विल होगा, लेजिस्लेटिव रिलेटेड है आपका लॉ मेकिंग से. ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव विल है वही एक्चुअल में एक जनरल विल होगा और वो बस एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही देखा जा सकता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं निर्णय निर्माण में. ठीक है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा. नेक्स्ट देखते हैं, रूसो ने एक्चुअल विल और रियल विल में क्या डिफरेंस किया है. तो एक्चुअल विल उन्होंने बोला कि एक्चुअल विल वो है जब लोग सिविलाइज्ड हो गए, जब सभ्यता जब आ गई, लोगों को रीजन वगैरह उनमें आ गया और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उनके पास आ गई और वो करप्ट हो गया उनका मन, उनके मन में सिंपैथी दया करुणा ये सब खत्म हो गया, नैतिकता खत्म हो गई, तो वो लोग क्या हो गए, सेल्फ इंटरेस्टेड पीपल हो गए जो बस खुद की भलाई सोचने लग गए. तो ऐसा इंसान जो बस खुद की भलाई सोचता है उसकी जो इच्छा होगी, उसकी जो इच्छाएं होंगी उसको एक्चुअल विल बोला गया. ठीक है, और रियल विल क्या है, तो रियल विल का मतलब है कि ऐसा विल जिसमें सबकी भलाई छुपी हो, इस टाइप का भी विल होता है. हर इंसान सोचता है कहीं ना कहीं, वो हर इंसान में छिपा होता है, जहां हम सोचते हैं कि नहीं पूरे देश की भलाई हो, जहां हम ये नहीं सोचते कि मैं आगे बढ़ू या मेरा कॉलोनी या फिर मेरा जो भी अगर आप कई काम करते हो तो डिपार्टमेंट या कंपनी है तो कंपनी ग्रो करे, बल्कि आप ये सोचते हो कि नहीं मेरा पूरा नेशन ग्रो करे. तो ये जो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात आती है और जब आपका मन ऐसा बोलता है तो उसको बोलते हैं रियल विल. ठीक है, रियल विल का मतलब है कि आप सोसाइटी में जो लोग हैं, मौजूदा सभी लोगों की
मौजूद सभी लोगों की भलाई सोचकर आपकी जो इच्छा पैदा होती है उसको रियल विल बोला जाता है, और रियल विल को ही जनरल विल बोला जाता है। ठीक है, जब रियल विल एक हर इंसान के पास रियल विल होता है, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल के पास रियल विल होता है, तो जब सारे इंडिविजुअल का रियल विल हम मिला दें तो एक जनरल विल बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये भी आता है, आ चुका है कि जनरल विल का मतलब क्या है, एक्चुअल विल प्लस रियल विल, एक्चुअल विल प्लस एक्चुअल विल, रियल विल प्लस रियल विल। तो आंसर होगा रियल विल प्लस रियल विल इज इक्वल टू जनरल विल। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन्होंने लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में आलोचना की है। उन्होंने, मैंने अभी ये चीज आपको पहले बता दी है कि वो बोलते हैं कि इंग्लैंड में लोगों को जो 5 सालों में एक बार मौका मिलता है, एक बार पावर मिलती है, और फिर बाकी 5 साल के लिए एक बार चुन के आ जाने के बाद, सरकार चुन के आ गई, उसके बाद उनका उनपे पावर चलाया जाता है, फिर वो मास्टर नहीं रह जाते, उसके बाद उनका विल नहीं चलता, उनकी लिबर्टी या फ्रीडम मायने नहीं रखती, तब बस सरकार अपना चलाती है, लोगों का वहां कोई रोल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हो, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम बोला गया है, क्योंकि रूसो फ्रीडम को सबसे ज्यादा क्योंकि रूसो लिबर्टी और फ्रीडम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ओके, देयरफॉर ही एडवोकेटेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एज इन इट पीपल वर एक्चुअली फ्री बाय टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। इसलिए बोलते हैं कि लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट खराब है, अच्छा नहीं है, इसमें लोगों को एक्चुअल में फ्रीडम नहीं मिल पाता, वो 5 साल में एक बार फ्री हो पाते हैं और अपना वोट देने के बाद वापस से बंध जाते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं रह पाती। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो एक्चुअल में फ्री है, एक्चुअल में फ्रीडम है, लिबर्टी है, क्यों? क्योंकि वो एक एक करके, मतलब इंडिविजुअली, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें वो खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बदले कोई प्रतिनिधि नहीं करता है पार्टिसिपेट, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर है। ही सजेस्टेड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एज इट सिक्योर्स फ्रीडम, सेल्फ रूल, इक्वालिटी एंड वर्च्यू ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो सिंपल है, वही चीज है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन होता है, तो उन्होंने बोला पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बेस्ट है, क्योंकि ये फ्रीडम, सेल्फ रूल मतलब आप खुद रूल कर रहे हो, इक्वालिटी होगी, वर्च्यू ऑफ इंडिविजुअल होगा, हर कुछ होगा। ठीक है, इसके बाद कोर्ट्स हैं, फेमस कोर्ट्स है रूसो के, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, एंड क्योंकि कोर्ट्स मैं बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा, काफी बच्चे बहुत देर तक यहाँ रुके रहे, मैं उसके लिए सब सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग लास्ट टाइम तक रुके और पूरे क्लास को एंड किया, खत्म किया, पार्टिसिपेट किया पूरे क्लास में। ओके, तो ये सारे कोर्ट्स थे रूसो के द्वारा, आप इनको पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू मनीषा। ओके, मामुनी की ये फर्स्ट क्लास थी एंड आपको बहुत पसंद आया, थैंक यू मामुनी कि आपको मेरा क्लास पसंद आया, एंड मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं ऐसे ही तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं और आप लोगों को चीजों को समझा सकूं अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में, कल की क्लास में, और बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और जो पढ़ा दिया गया है उसको डेफिनेटली आज के आज पूरा रिवाइज कर लें, क्योंकि कल पर चीजों को टालोगे अगर आप तो कभी वो चीज पूरी नहीं हो पाएगी। ओके ओके, नोमन को भी क्लास इंटरेस्टिंग लगी, ग्लैड टू नो नोमन कि आपको क्लास अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे क्लासेस में टाइमली ज्वाइन करते रहोगे एंड रिविजन करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम्स में। ओके, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में कुछ नए थिंकर्स के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। मामुनी, ओके, अगर मामुनी आप रुकने के लिए तैयार हो तो मैं समझा देती हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जल्दी थी इसलिए मैंने नहीं समझाया, आप अगर रुकते हो तो मैं समझा देती हूँ, जो कोर्स है रूस होती है मैं वो समझाने जा रही हूँ, यहाँ पर कुछ ही बच्चे हैं, अगर आपको जल्दी ना हो कहीं जाने की तो आप लोग रुककर समझ सकते हो। ओके मामुनी, फर्स्ट है मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेन। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया है, रूसो बोलते हैं कि इंसान जन्म तो
स्वतंत्र होता है, लेकिन वो चारों तरफ से चेन्स से बंधा होता है। और वो चेन एक्चुअल में है क्या कि जो सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टीज की वजह से लोग सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए हैं और हर इंसान अपना भला चाहने लग गया है, वही एक्चुअल में एक तरह से चेन है। ठीक है, तो मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेन, मतलब मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वो चारों तरफ से बंधा हुआ है, वो सोसाइटी में बंधा हुआ है। ठीक है, ये बात करते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो पहला स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, आई प्रिफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। ये बोलते हैं कि क्योंकि मैंने शुरू से यही चीज बोला कि रूसो फ्रीडम को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं, स्वतंत्रता उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलते हैं कि लिबर्टी अगर डेंजर के साथ मुझे मतलब खतरा हो सकता है मेरी लाइफ को लेकिन मुझे स्वतंत्रता पसंद है, देन कि मुझे शांति मिले और मुझे दूसरे की गुलामी करने पड़े, मतलब दूसरे की गुलामी करते हुए मुझे शांति मिले मुझे ये पसंद नहीं, मैं भय के साथ स्वतंत्र जीना पसंद करूंगा, ऐसा बोला है रूसो ने। आई वुड रेदर बी अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस देन अ मैन ऑफ प्रेजुडाइसेस, मतलब उन्होंने बोला है, पर्टिकुलर रूसो ने यहाँ बोला है कि प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है, प्रेजुडाइस मतलब ये होता है कि आपने अपने मन में पहले से जो धारणाएं बना रखी हैं, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक होता है और ये हर इंसान को बोला, यस पूर्वाग्रह इसका हिंदी है। ठीक है, तो ये जो प्रेजुडाइस है इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज हुई नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपने पहले से ही मन में बिठा लिया कि इसने ही ऐसा किया होगा या फिर ये चीज ऐसे ही हुई होगी, ये टूटा तो ये बिल्ली आई होगी तभी टूटा है ये मेरा कांच का ग्लास या कुछ, तो पूर्वाग्रह बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला मैं पैराडॉक्सेस के साथ, आई विल बी अ मैन ऑफ पैराडॉक्सेस देन अ मैन ऑफ प्रेजुडाइस, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, नो मैन हैज एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर हिज फेलो मैन, ये बोलते हैं कि किसी एक इंसान का दूसरे इंसान पर कोई हक नहीं होता है अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंग चले तो। ठीक है, मामूनी बोल रही है समझ में नहीं आया, कौन सा नहीं समझ में आया आपको? ओके, आपको पैरा प्रेजुडाइस नहीं समझ में आया। मामूनी, प्रेजुडाइस का मतलब ये होता है कि आपने पहले से ही मन में कुछ धारणाएं बना रखी हो, मान लीजिए आप कल आप अपने किसी मामा जी की बेटी यानी कि आप अपनी किसी बहन से मिलने वाले हो। ठीक है, किसी से मतलब ऐसा दोस्त, कोई नया दोस्त है जिसे आप कभी लाइफ में मिले नहीं हो, लेकिन कल कोई ऐसा फंक्शन है फैमिली फंक्शन जहां आप मिलने वाले हो। ठीक है, आपको पता है कि नाम पता है आपको और आपको ये पता है कि मैं उस लड़की से मिलने वाली हूँ। ओके, तो आपने मन में पहले से ही बहुत सारी चीजें उसके बारे में गलत धारणाएं बना ली। ठीक है, तो वो चीज को हम प्रेजुडाइस बोलते हैं। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपके कमरे में आप कहीं गए थे, काम से निकले हुए थे, अचानक रूम में वापस आए तो देखा कि कांच का एक ग्लास टूटा हुआ है, तो आपने देखा नहीं कि किसने तोड़ा, लेकिन आपका प्रेजुडाइस ये कहता है, आपके अंदर जो धारणा बैठी हुई है बिल्ली को लेके कि ये बिल्ली हमेशा मेरे कमरे में आती है, हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ के जाती है, ऐसा आपके मन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका प्रेजुडाइस आपको ये बोलेगा कि ये कांच का ग्लास जो है वो भी पक्का बिल्ली नहीं तोड़ा होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रेजुडाइस। और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है एक भ्रम। ठीक है, एक भ्रम जैसा कि आप भ्रम, एक ऐसा इंसान बनना चाहोगे कि जिसको भ्रम हो, लेकिन ऐसा इंसान नहीं बनना चाहोगे जिसको प्रेजुडाइसेस हो। ठीक है, एक्चुअल में प्रेजुडाइस बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी होता है ना कि हम किसी के बारे में अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हैं, वो तो ऐसा है वो तो वैसा है, और हम पूछते नहीं उससे, कभी बात ही नहीं करने गए कि भाई क्या तुमने ऐसा किया है, क्या तुम ऐसे हो, तो वो चीज गलत है। हमारे हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि प्रेजुडाइस मन में कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा आप जाके पूछ लो, या अगर कोई ऐसी चीज है जैसे ग्लास का कांच टूटा था तो आप कोशिश करो जानने का कि कैसे टूटा, डायरेक्टली नहीं अंदाजा लगाओ कि हाँ बिल्ली नहीं तोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आई होप अब आपको समझ में आ गया हो मामूनी। आगे है, नेक्स्ट है, नो मैन हैज एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर हिज फेलो मैन, मतलब आपका कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है आपके साथ रहने वाले दूसरे व्यक्ति पर, ऐसा बोलते हैं रूसो।
ठीक है, मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो अगर आप बोलते हो ना कि मेरा राइट है, मेरा अथॉरिटी है तुम्हारे ऊपर कि मैं जैसा बोलूंगा तुम वैसा करो, तो ये चीज गलत है। ठीक है, उसके बाद है आवर ग्रेटेस्ट एविल फ्लोज फ्रॉम आवर सेल्फ, मतलब हमारे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही है, ऐसा बोलते हैं रूसो। ठीक है, हमारे अंदर से ही वो बाहर आता है। नेक्स्ट है, एवरी मैन हैज अ राइट टू रिस्क हिज ओन लाइफ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट, मतलब हर इंसान को ये अधिकार है कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दे इसके सुरक्षा के लिए। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब खुद में ही एक विरोधाभास सेंटेंस है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सको उसके रक्षण के लिए ये आपका अधिकार है। वॉट विजडम कैन यू फाइंड दैट इज ग्रेटर देन काइंडनेस, वो बोलते हैं कि काइंडनेस मतलब दया भाव से बड़ा और कोई विजडम नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म्स स्ट्रेंथ इनटू राइट एंड ओबेडियंस इनटू ड्यूटी, मतलब ये बोलते हैं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो वो कभी भी एक मास्टर बनने के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक उसमें ये कला ना हो कि वो स्ट्रेंथ को मतलब जो ताकत है उसको राइट में ना बदल दे। राइट मतलब अधिकार होता है, ठीक है, यहाँ पर अधिकार के बारे में बोला गया, राइट मतलब सही भी होता है लेकिन यहाँ पर अधिकार बोला गया कि कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर इंसान है वो तब तक मास्टर बनने के लिए, मास्टर मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी राज्य का शासक बनने के लिए तब तक रेडी नहीं है जब तक कि उसमें ये कला ना हो कि वो जो शक्ति है ताकत है उसको अधिकार में बदल दे, और जो ओबेडियंस है मतलब जो एक ओबेडियंस का मतलब मैंने आपको समझाया कि आप किसी की बात सुनते हो मानते हो उसको जब तक वो ड्यूटी मतलब कर्तव्य में ना बदल दे। ठीक है, तो ये सारा था रूसो का कोर्स। मैं आशा करती हूँ मामूनी आपको सारे कोर्स समझ में आए हो। ओके मामूनी, आपकी रिक्वेस्ट मानी जाती है, मैं देखती हूँ छोटे छोटे से मैं तुरंत समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लॉक के कोट्स है, पहला कोट है, आई हैव ऑलवेज थॉट द एक्शंस ऑफ मैन द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ देयर थॉट्स, मतलब इसमें ये बोला गया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि किसी इंसान का जो एक्शन है मतलब वो जो क्रिया करता है उससे आप उसको बेस्ट इंटरप्रेट कर सकते हो, मतलब उसके किसी इंसान को समझने का जो बेस्ट तरीका है वो है उसके कार्यों से उसको समझना, ना कि उसके विचारों से उसको समझना। ठीक है, मतलब विचार तो इंसान का कैसा भी हो सकता है, वो कुछ भी बोल जाए, लेकिन जो वो कार्य करता है वो बेस्ट होता है एक एग्जाम्पल कि वो इंसान क्या चाहता है, क्या करता है और कैसा इंसान है। लाइक आपने बोला कि मैं अहिंसा पे विश्वास करती हूँ, लेकिन आपको कल मैंने देखा रोड पे कि आप लड़ाई कर रहे हो किसी के साथ, तो मैं मानूंगी आपकी बात? नहीं मानूंगी, मैं तो आपके एक्शन को मानूंगी ना कि हाँ आप लड़ाई कर रहे थे, मतलब आप अहिंसा को नहीं मानते, आप हिंसा को मानते हो। तो वही बात फर्स्ट स्टेटमेंट में है। नेक्स्ट है, व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू, मतलब जिस चीज की चिंता आपके मन में हो जाए, आपके मन में जो चीज एक बार घुस जाए जिसकी चिंता आप करने लग जाओ वही चीज आपको फिर चलाएगी, मास्टर्स यू मतलब वही आपका मास्टर बन जाएगा। फिर होता है ना लाइक आप किसी एक चीज की चिंता करने लग गए बहुत ज्यादा, तो फिर ना आप सही से खाना खा पाते हो, ना सही से सो पाते हो, ना सही से पढ़ाई कर पाते हो, मतलब उस चीज ने आपको टोटली कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है। उसके बाद है, ये चीज आपके एग्जाम के लिए हो सकती है, आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज नो अदर एंड बट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे और उसी का वो प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, क्योंकि लॉक में हमने देखा कि लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी इन तीनों की बहुत ज्यादा उन्होंने बात की है, तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो ड्यूटी है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी की रक्षा करे, मेरे मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है उनके प्रजा के पास जो भी प्रॉपर्टी है उनकी रक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल मैनकाइंड बींग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ हेल्थ लिबर्टी और पोजिशन, मतलब किसी भी इंसान को मतलब इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सभी इक्वल हैं। ठीक है, सभी
स्वतंत्र हैं, सभी बराबर हैं और किसी को ये राइट नहीं है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद है ऑल वेल्थ इज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये तो मैंने बताया था आपको लेबर वाले थ्योरी में, श्रम के सिद्धांत में, कि आप जिस भी चीज में अपना श्रम जोड़ देते हो वो आपका धन बन जाता है, तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, दिस नो बडी हैज राइट टू बट हिमसेल्फ, मतलब हर इंसान के पास उसका अपना प्रॉपर्टी होता है जिस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा, बस उसका अधिकार होगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स थे। एंड इसके बाद मेरे को एक चीज ये भी याद आया कि जो लॉक है, हॉब्स है और रूसो है, ये जो तीन लोग हमने आज पढ़े, तीनों को, तीनों के तीनों ये बोलते हैं कि लोग इक्वल हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हॉब्स इक्वालिटी को मानते थे तो आपको आंसर होना चाहिए यस, लॉक मानते थे यस, और रूसो मानते थे तो यस। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में ये उठ सकता है कि हॉब्स कैसे मानते थे, हॉब्स इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग मानते थे, बोलते थे कि जितने लोग हैं सब इक्वल हैं, लेकिन वो जो महिला और जो पुरुष की इक्वालिटी है उसको नहीं मानते थे, मतलब वो पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है उस पर भरोसा करते थे, लेकिन दूसरी ओर ये भी बोलते थे कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें सारे लोग बराबर हैं, ठीक है। ये चीज छूट गई थी, मैंने पहले बताया नहीं क्लास में, अभी ध्यान आया मुझे कि ये चीज आप लोग कहीं एग्जाम में गलत ना कर दो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि एग्जाम में अगर पूछता है कि प्राकृतिक अवस्था में सब इक्वल है, ऐसा किसने बोला है, तो ये तीनों ने बोला है, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों, ओके। अब हम देख लेते हैं हॉब्स के कुछ स्टेटमेंट्स। ये है कोटेशंस हॉब्स के। पहला है फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस, मतलब वो बोलते हैं भय और मैं जुड़वा पैदा हुए थे, मतलब एक्चुअल में जब हॉब्स का जन्म हुआ था, मैंने बोला था कि जो व्यवस्था थी उसमें बहुत बदलाव हो रहा था, लोग पावर के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, खत्म कर रहे थे, तो बहुत एक भय का माहौल बना हुआ था। और हॉब्स का जो आइडिया है पूरा इसी पर है बना हुआ कि आत्मरक्षा ही सबसे मेन उद्देश्य था कि वो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो इसीलिए हॉब्स ने ये बोला है कि फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस, हम दोनों जुड़वा पैदा हुए थे साथ ही साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी इज द लस्ट ऑफ माइंड, वो बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है वो आप कह सकते हो लस्ट का भी मीनिंग, अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, मैं समझाने का ट्राई करती हूँ, ओके। क्यूरियोसिटी का मतलब हुआ कि जो एक जानने की इच्छा होती है किसी इंसान के अंदर कि किसी चीज में क्या, किस रीजन से ये चीज, ये वस्तु गिर रही है नीचे, जैसे न्यूटन ने किया था कि ये सेब गिर क्यों रहा है। नहीं नहीं लस्ट है, लस्ट का मतलब होता है कामना, ठीक है, कामना, कामना मतलब आपके मन में होता है ना किस चीज को पाने की इच्छा, उसको बोलते हैं लस्ट, ओके। तो क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखना ही मन की कामना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज नॉट विजडम बट अथॉरिटी दैट मेक्स अ लॉ, वो बोलते हैं कि विजडम मतलब ये एक जो अथॉरिटी है वही लॉ बना सकती है, विजडम नहीं बना सकती। विजडम का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए, आपको हर चीज का नॉलेज हो गया, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हमको विजडम मिल गया। तो एक विजडम मिल जाना, लॉ बना ले बन जाना, ये अलग चीज है। लॉ एक अथॉरिटी ही बना सकती है, विजडम नहीं बना सकती। तो ये हॉब्स ने बोला, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स एंड फ्रॉड आर इन वॉर द टू कार्डिनल वर्च्यूज, वो बोलते हैं किसी भी युद्ध में फोर्स मतलब शक्ति और फ्रॉड मतलब छल, ये दोनों चीजें बहुत ही मुख्य होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रोल मुख्य भूमिका निभाती हैं, फ्रॉड मतलब छल और एक शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है इन द स्टेट ऑफ नेचर प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ राइट, मतलब जो स्टेट ऑफ नेचर था, प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसको मापने का तरीका बस यही था कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है तो वो चीज सही है, और मुझे फायदा नहीं हो रहा तो वो चीज गलत है। इसी वजह से
प्राकृतिक अवस्था में बहुत ज्यादा हिंसा वगैरह हुआ था और लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे। ठीक है, तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया। इट्स ओके मामुनी, आपको समझ में आया एंड आपने इंटरेस्ट दिखाया, मुझे वो जान के ज्यादा अच्छा लगा। ओके, ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, पढ़ते रहिए एंड जहां भी दिक्कत हो ना हमें जरूर बताइए। ओके, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। ओके सान, आप अच्छा सान भी रुके हुए थे, गुड टू नो सान कि आप भी यहाँ थे, आपने भी समझा। गुड नाइट टू बोथ ऑफ यू, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग दोनों रिविजन जरूर करके आना, सान और मामूनी। ओके, मैं आप दोनों से ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ।